हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड, सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड और सीएचओ ट्रेनिंग के रिगार्डेड कम्प्लीटली सेशन, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। और लास्टली सेशन के अंदर आपने देखा फर्स्ट पेपर के रिगार्डेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसके अंदर इपिडियोमोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे आपका बीपीसी सीएचएन एग्जाम हो, वो कम्प्लीटली हमने लास्टली सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिसने भी सेशन नहीं देखा हो देख सकते हैं, लिंक आपको यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से उसको जरूर देखेगा। आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, जैसा कि आज आप सबको पता है आज है संडे और संडे के दिन अपन काफी जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस दिन, तो सेकंड पेपर के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। और आप सबको पता है इस सेशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 समथिंग क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए थे पेपर नंबर सेकंड के रिकॉर्ड। अब आज स्टार्ट करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन, यानी 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और समथिंग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे 200 तक, यहाँ तक लेकर चलेंगे। तो क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा एक बार सबसे, ताकि सभी कैंडिडेट जुड़ जाए और आज के सेशन का बेनिफिट ले सके। और सभी क्वेश्चंस का आपको जल्दी जल्दी से आंसर देना है, उसके बाद से आपको आंसर बता दिया जाएगा, चलेगा। मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूँगा। आज के सेशन के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पहुँचे जाएंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके मॉड्यूल्स है, जो भी आपके मॉड्यूल्स अवेलेबल करवाई है यूनिवर्सिटी ने, वहां से ये सेलेक्टेड किए हुए हैं। बिल्कुल हर लाइन से क्वेश्चंस बन सकता है, किसी भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। कैसे क्वेश्चन हो सकता है, कैसे आंसर हो सकता है, कैसे ऑप्शन आपके सामने रखे जा सकते हैं, वो सबको आपको आना चाहिए, तभी जाकर आपको काम चलेगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसीलिए बार बार यही कहता हूं कि एक बार एटलीस्ट एक बार आप मॉड्यूल्स को जरूर उठाकर देख लीजिए, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर काफी कुछ भरा पड़ा है। हालांकि मैं समझ सकता हूं आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती होगी, लेकिन लैंग्वेज में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इतनी टफ भी नहीं है। थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेंगे ना, तो उसमें जो हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाएंगे, चलेगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। आज के सेशन के अंदर 100 क्वेश्चन समथिंग हमने कर लिए थे, और लास्टली क्वेश्चन जो 100 नंबर का क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट देकर मुझे बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में होना क्या चाहिए। यही क्वेश्चन आपके सामने था, 100 नंबर का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं, और सेशन चाहे कितना भी बड़ा हो सकता है, देखिएगा सेशन कितना भी बड़ा हो सकता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा सेशन है तो आप जाना चाहते हैं तो अभी से ही जा सकते हैं, बाद में ऐसा नहीं है कि आधा सेशन छोड़ के जाएंगे तो फिर आधे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है सेशन बड़ा रहता है तो बिल्कुल आप एज इट इज़ अभी भी स्किप कर सकते हैं, चलेगा। मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवाने की, और आपको भी कोशिश करनी है कि अपने एक्टिव पार्टिसिपेटर इस वीडियो के अंदर देने की, सेशन के अंदर देने की, ताकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके और आपको सेल्फ इवैल्यूएशन मिल सके, चलेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा था आपसे कि जो अप्लास्टिक एनीमिया होती है वो क्या होती है। देखिए, अलग अलग टाइप की एनीमिया आपने पढ़ी होगी। जनरली जो एनीमिया होता है वो जनरली क्या होता है, आप सबको पता होगा एनीमिया क्या होता है, एनीमिया वर्ड है, क्या है ये एनीमिया। तो एनीमिया को जनरली अपन जनरल भाषा में कहें तो खून की कमी कहते हैं। क्या कहते हैं? खून की कमी हो गई, बॉडी के अंदर क्या हो गई, खून की कमी होगी। और उसके बाद अगर अपन कहें तो कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, उसके बाद हम कहते हैं तो कहते हैं कि आरबीसी की कमी हो गई, यही सब कहते हैं, इसी को ही एनीमिया कहते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर इसकी डेफिनेशन अपन देखें तो आप सबको पता है एनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक होने से, इसका ब्रेकडाउन होने से क्या हो रहा है, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी आउट करना, ऑक्सीजन को कैरी आउट करना थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर टोटल ऑल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी आउट करना किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। यानी एक्चुअली अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है कि एनीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ने लगता है, यानी आरबीसी ब्रेक होने लगती है, और आरबीसी ब्रेक होने से
आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी जैसे ही आरबीसी नहीं रहेगी तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी आउट की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरी आउट नहीं हो पाएगी आपकी पूरी ऑल बॉडी के अंदर, और ऐसी कंडीशन को अपन एनीमिया कहते हैं। जनरली ये डेफिनेशन आप क्लियरली समझते हैं। और जनरली अगर अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन का लेवल कितना कम हो जाए कि उसको एनीमिया कहे, तो जनरली 11 ग्राम अपन जनरली मानते हैं, 11 ग्राम पर डीएल के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं, तो 11 ग्राम अगर कम हो जाता है तो अपन एनीमिया कहते हैं। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन तो 10 ग्राम पर डीएल के अकॉर्डिंग अपन एनीमिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में जनरली काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं अपन सेशन के अंदर, तो याद रखिएगा एनीमिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल कब से कब हो जाता है। और एक बिल्कुल हाई सीवियर की बात करें, बिल्कुल सीवियर एनीमिया की बात करें तो 8 ग्राम पर डीएल के अकॉर्डिंग अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो काफ़ी सीवियर कंडीशन ये मानी जाती है, वो कि मैंने सेपरेट सेशन के अंदर डिस्कस कर रखा है, तो इस सेशन के अंदर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेशन ऑलरेडी काफ़ी बड़ा होने वाला है। चलिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर था एप्लास्टिक एनीमिया से, तो अलग अलग टाइप की एनीमिया होती है, एप्लास्टिक एनीमिया होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है, उसके साथ ही इसी के अंदर ब्लड डिसऑर्डर के अंदर आती है थैलेसीमिया वगैरह आती है ना उसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सा ये पूछा है कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से था, पहला ऑप्शन आपके सामने था डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी को क्या एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और B9, B12 और B9 की डेफिशिएंसी से अगर एनीमिया कोज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, यानी क्या उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये था इनसफिशियंसी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इन बोन मैरो, बोन मैरो से जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है उनमें इनसफिशियंसी आ जाना, यानी कम ब्लड कम प्रोडक्शन होना एक तरीके से, यानी बोन मैरो अफेक्ट हो रहा है, बोन मैरो अफेक्ट होने के कारण से ब्लड सेल्स का क्या होना, प्रोडक्शन इनसफिशियंट होना। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर था आरबीसी सेप लाइक फार्मर सिकल्स, जो फार्मर सिकल्स होती हैं, फार्मर की जो किसानों की जो हंसिया होती है जिसको अपन अपनी जनरल भाषा में दांतली जिसको कहते हैं वही है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन इस तरीके से थे। अभी भी जो कैंडिडेट इसका रेस्पॉन्स देना चाहता है अपना कमेंट ज़रूर पास करें, अपना कमेंट ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें, इसमें सॉरी कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि आपका सेल्फ इवेल्यूशन हो सके और मैं इसका आंसर आप बताने वाला हूँ, क्योंकि अपन आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर एक्चुअल अपन आंसर देखते हैं तो इसका एक्चुअल जो बिल्कुल राइट आंसर होता है वो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन होता है, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया डायरेक्टली जो अफेक्ट करती है वो बोन मैरो को अफेक्ट करती है। बोन मैरो में क्या होता है, देखिए बोन मैरो जो होती है ना, बोन मैरो क्या होती है, जो ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन करवाती है, ब्लड सेल्स जो होती है उनका प्रोडक्शन करवाती है ब्लड सेल्स में, जैसे कि WBC हो गया, RBC हो गया, उसके अलावा प्लेटलेट्स हो गया, यानी कि ऑल जो ब्लड सेल्स होती है, जितनी भी सारी ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन कहां पर होता है आपका, बेसिकली कहां पर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है, कहां पर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। अब बोन मैरो से अगर प्रोडक्शन इनसफिशियंट हो रहा है, प्रोडक्शन इनसफिशियंट हो रहा है, यानी आरबीसी का, बेसिकली अपन प्लेटलेट्स की बात नहीं करेंगे, WBC की बात नहीं करेंगे, सभी का इनसफिशियंसी यहां पर होगी, सभी ब्लड सेल्स का यहाँ पर इनसफिशियंसी प्रोडक्शन होगा, लेकिन बेसिकली जो अपन एनीमिया की बात करें तो आरबीसी से डायरेक्ट अपना काम चलता है, तो यहाँ पर ब्लड जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो इनसफिशियंट होने लगेगा, यानी एक्चुअली में अगर देखें तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया। अब आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या उसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा, नहीं, इसका भी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उसको क्या कह देंगे अपन, एनीमिया कह देंगे, और इस टाइप का जो एनीमिया कोज होता है उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसके अंदर आपका बोन मैरो अफेक्ट रहता है, और बोन मैरो के अफेक्ट रहने से आपके जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो इनसफिशियंट होने लगता है, ऐसी कंडीशन को अपन एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो फिर आपका आंसर होता है सेकंड, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और B9, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामाइन और कोबालामाइन, या फिर
जो विटामिन 9 है वो फोलिक एसिड होता है, अगर इनका डेफिशिएंसी होता है तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको समझ में आ गया, और उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट ने इसका कमेंट दिया था काफ़ी अच्छा दिया था, और काफ़ी एक तरीके से कहूँ 99% जो लोग थे उनका कमेंट्स बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही आंसर वो दे पाए थे। इनसफिशियंसी ऑफ ब्लड प्रोडक्शन, जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है उनके अंदर इनसफिशियंसी हो जाती है, कहाँ पर? बोन मैरो के थ्रू, यानी बोन मैरो से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो इनसफिशियंट हो जाता है, दैट कोज द एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया का आपको बिल्कुल एज इट इज आंसर मिल गया है, क्या आंसर है? बिल्कुल थर्ड नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, अब आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था कल पुराने सेशन का, यानी पहले प्रीवियस सेशन का। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ, आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है 101, 101 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक BPCCHN CHO ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड जो BPCCHN टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है वो नहीं लिए हैं तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि उसके रिगार्डेड डेली आपको टेस्ट देने को मिल रहा है, जिसके अंदर अभी तक ब्लॉक वाइज टेस्ट मिले हैं, अभी तक ब्लॉक वाइज टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए, जिसके अंदर फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसका फिफ्थ ब्लॉक का टेस्ट है, आज उसका फिफ्थ ब्लॉक का टेस्ट है, तो फिफ्थ ब्लॉक का टेस्ट आप जरूर दें, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन हो गए हैं और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि फिफ्थ ब्लॉक के टेस्ट होने के बाद आपका सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, फिर सेकंड बुक कंप्लीट होने के बाद आपको मेजर पेपर मिलेगा, यानी फुल कोर्स पेपर मिलेगा दोनों सब्जेक्ट के वाइज। इसीलिए आपको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग आपके पास कम है, और फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलेगा, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ और आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलेगा, 101 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त था, और देखिएगा आपने सेकंड पेपर के रिगार्डेड फर्स्ट ब्लॉक आई थिंक इस सेशन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर काफी सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। चलेगा, ये क्वेश्चन है आपके किससे रिगार्डेड है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखना है फिर आंसर देना है, और एलिमिनेशन मेथड आप लगाइएगा, एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो काफी अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर है क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई, आई लेंस का अगर क्लाउडिंग हो जाता है, दिस डिजीज और कंडीशन इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ द एजिंग। देखिएगा, अगर एजिंग के कारण, एजिंग जानती हूं ना, एज बढ़ना, ठीक है, यानी एज का एडवांस होते जाना, एज बढ़ती जा रही है उसके कारण से अगर आपकी आई लेंस जो है उसके अंदर क्लाउडी होने लगे, आई लेंस क्लाउडी होने लगे, तो ऐसी कंडीशन किस डिजीज के अंदर, किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, यानी आई जो लेंस है, आई लेंस है उस पर धुंधलापन आने लगा है, ऊपर उस पर क्या हो गया, क्लाउडीनेस आने लगा, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है? पहला ऑप्शन आपके सामने है क्रोज्ड आईज उसको कहेंगे, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोमा उसको कहेंगे, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है कैटरेक्ट उसको कहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है रेटिनल डिटैचमेंट कहेंगे। चलिएगा, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से, 2 सेकंड में आपको दूंगा, और हर क्वेश्चन के लिए केवल 2 सेकंड आपको मिलेंगे, फिर आपको आंसर दे देना है, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं और सोल्व काफी सारे करने हैं और टाइमिंग अपने पास कम है, तो जल्दी जल्दी से अपना कमेंट पास कीजिएगा, उसके बाद आगे अपन बढ़ते ही रहेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सबको कमेंट्स करना है, जो भी कैंडिडेट भी क्लास में अवेलेबल है वो सभी कमेंट्स करें, ताकि आप अपने आप को क्या कर सके, सेल्फ इवेल्यूएट कर सके, और कोशिश करें नोटबुक साथ में रखें, ताकि जो भी की पॉइंट्स आए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लें, और साथ में अपने आंसर भी नोट करते रहे जाए, और मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो भी नोट करते जाए, ताकि सेशन के एंड में आप सेल्फ इवेल्यूशन कर सकें। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सबको पता है, अगर लेंस के अंदर, अगर आई लेंस के अगर अंदर अगर क्लाउडीनेस आने लगे, धुंधलापन आने लगे, तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैटारेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटारेक्ट कहते हैं जो डायरेक्टली एजिंग के अकॉर्डिंग होती है, जो कि डायरेक्टली अपन कहे तो जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, वैसे वैसे जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर जो लेंस है, आई लेंस है, उनके अंदर कैटारेक्ट होने लगता है, यानी एक तरीके से उनके अंदर कह सकते हैं क्लाउडीनेस आने लग जाता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लाउडीनेस ऑफ आईज डायरेक्टली अपन क्वेश्चन भी कहे तो क्लाउडीनेस ऑफ आई लेंस दैट नोन एज कैटारेक्ट,
ठीक है, दैट नोन एज कैटरेक्ट, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, चलेगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं तो 100% इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी जो मॉड्यूल्स हैं बिल्कुल निचोड़ करके मैंने ये क्वेश्चन निकाल लिए हैं, बिल्कुल इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। बाकी अदर जगह कहीं पर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल रहे होंगे क्वेश्चन, वहां पर आप क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वहां पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा आपकी जो मॉड्यूल है उसका निचोड़ निकालकर मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द कोज ऑफ द कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस का कोज क्या है, कंजक्टिवाइटिस होने का कारण क्या है। अब कंजक्टिवाइटिस आप क्या कहेंगे, सर कंजक्टिवाइटिस आईटिस पीछे जुड़ा हुआ है, इट मीन्स अपन कहेंगे कि सर इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ है, सर इन्फ्लामेशन यहाँ पर हुआ है, लेकिन किसके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, सर कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, किसके अंदर, कंजक्टिवा के अंदर। कंजक्टिवा कहाँ पर अवेलेबल होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आप सबको पता है, आई से रिगार्डेड है, यानी आपकी आईज के अंदर जो कंजक्टिवा होती है उसका इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका मेन कारण क्या होगा, उसका कारण क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा नीशेरिया गोनोरिया, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा एडीज एजप्टी, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा प्रोटोजोआ, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा लेजा लेजा मानो लेजा मामनोरी वायरस, है ना, मामनोरी वायरस ये है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कंजक्टिवाइटिस जो कि आपकी आपकी आईज जो होती है उसके कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसके कारण से, या ये किसके कारण से होता है, क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, ठीक है, कंजक्टिवा किसके कारण से होती है, आपका आंसर देना है। 2 सेकंड आपके पास है, फिर आंसर आपको बताना है, देन आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है आपका, वो बनता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनता है, नीशेरिया गोनोरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। कंजक्टिवाइटिस है, उसका जो पॉजिटिव एजेंट है यहाँ पर वो क्या है, नीशेरिया गोनोरिया, यहाँ पर एडीज एजप्टी नहीं होगा, यहाँ पर प्रोटोजोआ नहीं होगा, और यहाँ पर लेजा वायरस नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नीशेरिया गोनोरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कंजक्टिवाइटिस के रिगार्डेड। याद रखिए, भूलना नहीं है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जितने स्टार बनाए कम है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यहां पर पूछी गई है। कंजक्टिवाइटिस मतलब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कंजक्टिवाइटिस मतलब आपकी जो आईज है उसके अंदर जो कंजक्टिवा प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या होना, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। अब उसका भी मोस्ट कॉमन कोज कौन होता है, आपसे क्वेश्चन ये किया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सबसे मोस्ट कॉमन कोज आपको बताना है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात यहाँ पर की जा रही है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेगा न्यूमोकोकल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहां पर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, थर्ड ऑप्शन यहां पर स्टेफाइलोकोकल, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा नीशेरिया गोनोरिया। जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर देना है, 2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन यहां पर समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है, तो आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आई थिंक आप सबको याद होगा, और जिसको याद नहीं है वो याद रखे, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा स्टेफाइलोकोकल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसको मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का। याद रहे, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है, क्या माना जाता है,
स्टेफाइलोकोकल, स्टेफाइलोकोकल बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 103 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दैट इज स्टेफाइलोकोकल। काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसीलिए आपको याद रखना है, कहीं पर भी आपको कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है समझतेगा, प्रोड्यूस शूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। चलेगा बताइएगा, जो कंजक्टिवाइटिस की बात की जा रही है लेकिन किस टाइप का कंजक्टिवाइटिस है, स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। अब स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस किसके कारण से प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो स्यूडो मेम्ब्रेनस जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो किसके कारण से प्रोड्यूस होता है। पहला ऑप्शन आपके पास सेम है न्यूमोकोकल, सेकंड ऑप्शन भी आपके पास स्ट्रेप्टोकोकल, थर्ड ऑप्शन आपके पास है स्टेफाइलोकोकल और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दी अबव। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है, 104 नंबर में क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब बता दिया, आई के अंदर जो कंजक्टिवा होती है, कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन कौन सी टाइप का कंजक्टिवाइटिस है, स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है, तो इसका कारण क्या होगा, क्या न्यूमोकोकल होगा, क्या स्ट्रेप्टोकोकल होगा, क्या स्टेफाइलोकोकल होगा, क्या नन ऑफ दी अबव होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, क्वेश्चन आपसे किया गया है स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस अगर आपसे पूछा है तो आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, डायरेक्टली आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, क्योंकि स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस हुआ है। देखिएगा इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल, बैक्टीरिया की बात यहां पर की जा रही है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात की जा रही थी यहां पर, इसीलिए इसका आंसर क्या आया था, स्टेफाइलोकोकल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आया था। लेकिन अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर आपसे स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस की बात की जा रही है। किसकी बात की रहा है, स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, स्टेप्टोकोकल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्टेप्टोकोकल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको याद रहेगा, नहीं रहे तो नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 नंबर क्वेश्चन और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रीवियसली जो BPCCHN के एग्जाम हो चुके हैं, 4 से 5 एग्जाम हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, वहां पर ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है एज अ टीज क्वेश्चन कि पिंक आईज सीन इन, पिंक आईज जो होती है किसके अंदर होती है, कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर पिंक आईज सीन होती है, पिंक आईज सीन होती है, तो आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है। अब आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम पिंक आईज किसके अंदर देखने को मिलती है, चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और उम्मीद करता हूं अगर प्रीवियसली सेशन आपने देखे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर है ट्रेकोमा, सेकंड ऑप्शन यहां पर है कंजक्टिवाइटिस, फोर्थ सी ऑप्शन यहां पर है स्टाई और डी ऑप्शन यहां पर है कैटारेक्ट। चलिएगा आंसर बताएगा, जो पिंक आईज देखने को मिलती है किस डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, किस डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलती है, क्या ट्रेकोमा के अंदर देखने को मिलती है, क्या कंजक्टिवाइटिस के अंदर देखने को मिलती है, क्या स्टाई के अंदर देखने को मिलती है, क्या कैटारेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। और याद रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट प्रीवियसली 2 एग्जाम में कंटिन्यूअसली एग्जाम में पूछा हुआ है पिंक आईज कौन सी डिजीज के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे अपने पास अवेलेबल हैं। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पिंक आईज जनरली सीन इन कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मैंने बार बार बोला कि आईज के अंदर जो कंजक्टिवा होती है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण से आपकी आई पिंक देखने को मिलती है, यानी पिंक आईज जनरली कंजक्टिवाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। पिंक आईज जनरली कहां पर देखने को मिलती है, कंजक्टिवाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। याद रहे पिंक आईज कहां पर देखने को मिलती है,
कंजक्टिवाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गए। चलेगा तो सेशन को लाइक और शेयर नहीं करना है, नहीं करना है मतलब करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है लाइक और शेयर ज्यादा करना है ताकि टारगेट पूरा हो सके, आपका भी और मेरा भी। आपका टारगेट ये कि हमारा क्वेश्चन का टारगेट है कहाँ तक ले जाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालना, और मेरा टारगेट ये है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, यही टारगेट है। आपका टारगेट ज़्यादा क्वेश्चन खींचना, मेरा टारगेट ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। अब आप मेरा टारगेट पूरा करें, मैं आपका टारगेट पूरा करता हूँ। बस इस सेशन को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ा दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से सेशन यहाँ पर अवेलेबल होंगे आपके लिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वहाँ पर आपको ब्लॉक वाइज टेस्ट देखने को मिल रहे हैं डेली, और आज आपका पाँचवा टेस्ट है। चलेगा यानी फिफ्थ ब्लॉक का टेस्ट वहां पर आज है। चलेगा यहां पर क्वेश्चन है 106, 106 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर ये पूछा है, टिम्पेनोप्लास्टी इज, जो टिम्पेनोप्लास्टी एक प्रोसीजर है, टिम्पेनोप्लास्टी होती क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन आप देखिएगा, रिपेयर ऑफ मास्टोइड बोन, मास्टोइड जो बोन है उसका रिपेयरिंग करना। सेकेंड ऑप्शन यहां पर है, रिपेयर ऑफ ओसिकल्स, ओसिकल्स जो जानते हो, ओसिकल्स जानते हो ना क्या होती है, ओसिकल्स मतलब आपकी जो ईयर ओसिकल्स है, यानी आपकी ईयर की जो बोन्स होती है, ईयर बोन्स जनरली अपन कह सकते हैं, जो कान की हड्डियां होती है उनको ओसिकल्स बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो रिपेयरिंग ऑफ या रिपेयर ऑफ ओसिकल्स, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है रिपेयर ऑफ ईयर ड्रम, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है रिपेयर ऑफ कोक्लिया। जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आपको सही आंसर बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है, ईयर ड्रम। सर ईयर ड्रम क्या होता है, क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, टिम्पेनोप्लास्टी नाम से मीनिंग निकल रहा है, टिम्पेनोप्लास्टी इज रिलेटेड टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनोप्लास्टी इज रिलेटेड टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, कान का ड्रम कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी टिम्पेनोप्लास्टिक एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपकी जो ईयर ड्रम होती हैं उसके अंदर रिपेयरिंग की जाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको याद रखना है। 107 नंबर क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ आपसे पूछी गया, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द सोर थ्रोट, सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछिए। सोर थ्रोट जनरली किस किस के अंदर होता है आप सबको पता है, मैंने काफ़ी बार बता दिया है सोर थ्रोट क्या होता है और किस किस कंडीशन में जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द सोर थ्रोट, सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, तो जल्दी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने होगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा पोविडिन आयोडीन, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा केलामाइन लोशन, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा एजिथ्रोमाइसिन, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा एपिनेफ्रिन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द सोर थ्रोट, सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग काम में ली जाती है और कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है, एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो यूज की जाती है जनरली किसके अंदर, सोर थ्रोट के अंदर, किसके अंदर, सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस सोर थ्रोट का क्या होगा, एजिथ्रोमाइसिन। जनरली एजिथ्रोमाइसिन आपको याद रखनी है, और एजिथ्रोमाइसिन के अलग अलग सेपरेट से तीन तीन टेबलेट आती है, आप सबको याद होगा, देखा होगा आपने अगर प्रैक्टिस या क्लिनिकली आप गए हुए तो। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका एजिथ्रोमाइसिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन। यहां पर भी क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए समझते हैं। मोस्ट कॉमन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर
द क्रोनिक सोर थ्रोट। अभी ड्रग ऑफ चॉइस पर पूछी थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, इसमें आपसे पूछा है कि मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, यानी मोस्ट कॉमन कोज आपसे पूछा है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक सोर थ्रोट, जो क्रोनिक सोर थ्रोट होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन देखेगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, सेकंड ऑप्शन देखेगा राइनो वायरस, थर्ड ऑप्शन देखेगा कैंडिडा, फोर्थ ऑप्शन देखेगा ओकल एब्यूज। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जो क्रोनिक सोर थ्रोट देखने को मिलता है, क्रोनिक सोर थ्रोट देखने को मिलता है वो किसके कारण से देखने को मिलता है, किसके कारण से देखने को मिलता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है या कोजेज यहाँ पर आपसे पूछा है, मोस्ट कॉमन कोज आपसे पूछा है जो क्रोनिक सोर थ्रोट होता है उसका। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा और टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन अभी काफ़ी सारे अपने पास हैं। चलेगा चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, देखिएगा अगर किसी का इन्फेक्शन होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होगा तो जनरली वो क्रोनिक नहीं, एक्यूट जनरली वो कोज करते, एक्यूट कोज करते, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो तीनों इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर ओकल एब्यूज, जो आपका ओकल कोड है, जो आपका ओइस बॉक्स है, अगर उसका करंटली आप काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, यानी उसको बार बार आप कंटिन्यूअसली अपनी लैंग्वेज को बोले जा रहे, कंटिन्यूअसली उसको काम में लिए जा रहे, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वोकल एब्यूज, जो आपका ओकल का आप अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसके कारण से आपको सोर थ्रोट देखने को मिलता है। जनरली आपने देखा होगा जो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बोलते हैं उनके अंदर जनरली सोर थ्रोट देखने को मिलता है, आप सबको पता होगा ये बात, अगर आप एक दो घंटे तक कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं तो सोर थ्रोट जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली लंबी लंबी क्लासेज में लेता हूँ उसके कारण से मुझे सोर थ्रोट हो जाता है, और लास्टली अभी कल परसों की क्लास के अंदर मैंने बोला था थोड़ा सा कफिंग वगैरह हो रहा है, तो इसी के कारण से हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना है अगर ओकल का आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आपके अंदर क्रोनिक सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो उसको रेस्ट के साथ सही भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 109 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है और नर्सिंग कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, नर्सिंग के अंदर कोई सा भी एग्जाम देख लो, एम्स लेवल तक के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट हियरिंग, हियरिंग को टेस्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, ध्यान रहे किसको टेस्ट करना है, हियरिंग को, जो सुनना होता है, हियरिंग को टेस्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, पहला ऑप्शन यहां पर टोनोमीटर है, सेकंड ऑप्शन यहां पर टनिंग फोर्क है, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा ऑटोस्कोप है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर देखेगा प्रोक्टोस्कोप है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है हियरिंग को चेक करने के लिए। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, टनिक फोर्क को, जो टनिंग फोर्क होता है उसको हियरिंग लॉस या हियरिंग को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अगर अपन टोनोमीटर की बात करें तो टोनोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट, ये आई के अंदर जो आईज होती हैं उसके अंदर आईओपी को चेक करने के लिए, आईओपी बोले तो इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर को चेक करने के लिए, इनसाइड दी आई के अंदर आईओपी को चेक करने के लिए, यानी इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है, और जनरली ये काम में लिया जाता है ग्लूकोमा की कंडीशन में। ग्लूकोमा जनरली क्या होता है, ग्लूकोमा आई से रिगार्डेड ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी डिजीज कंडीशन कह सकते हैं, ऐसा डिसऑर्डर कह सकते हैं या ऐसी कंडीशन कह सकते हैं जिसके अंदर जो आईओपी है वो बढ़ जाता है, और आईओपी बढ़ जाने के कारण से ऑप्टिक नर्व्स वगैरह डैमेज होने लगती हैं, और उसके कारण से ब्लाइंडनेस कोज हो सकता है, यानी कि जो विजन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा टोनोमीटर क्या होता है। उसके बाद अगर ऑटोस्कोप की बात करें तो ये ईयर को
ओटो मतलब होता है ईयर, जो आपका ईयर होता है उसको एग्जामाइन या विजुलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। कैमरे लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैमरे लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ईयर को विजुलाइज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, ईयर को विजुलाइज किया जाता है, लेकिन इससे आप हियरिंग चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या रहता है, टनिंग फोर्क रहता है, टनिंग फोर्क रहता है। उसके अलावा अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रोक्टोस्कोप है, तो प्रोक्टोस्कोप को अपन जनरली यूज करते हैं टू एग्जामाइन द रेक्टम एंड एनस, एनस और रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए, एनस और रेक्टम को एग्जामाइन करने के लिए प्रोक्टोस्कोप को जनरली काम में लिया जाता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको याद होने चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपसे एग्जाम में कभी भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कहूँगा इसी एग्जाम में पूछा जाएगा, हर कंपिटेटिव एग्जाम में ऐसे एक से दो क्वेश्चन कंप्लीटली पूछे जाते हैं, इसीलिए याद रहे इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डेड आपकी जानकारी होनी चाहिए। और स्पेशली आपके जो चैप्टर्स हैं और स्पेशली एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने है और आपके काम में आएंगे, इसलिए आप सबको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 110 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझते हैं और आगे बढ़ेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। द करेक्ट रिगार्डिंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट, सोर थ्रोट के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन समझ में आ गया। करेक्ट रिगार्डिंग द साइन सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट, सोर थ्रोट के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, सोर थ्रोट के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पेन ड्यूरिंग सोलोविंग फूड, फूड को स्वलो करने के टाइमिंग में पेन होना। उसके अलावा माइल्ड बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट, थ्रोट के अंदर माइल्ड टाइप की सेंसेशन होना, बर्निंग सेंसेशन होना। उसके अलावा नो पेन इन थ्रोट, थ्रोट के अंदर कोई पेन नहीं होना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट है उसका डिक्रीज हो जाना, क्या करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, क्या करेक्ट आंसर इसका होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए, सोर थ्रोट हो रहा है तो क्या होगा, बेसिक जो एक इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स होता है वो आपको बताना है प्रायोरिटी बेस पर, फर्स्ट टाइम या सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया वो क्वेश्चन और ऑप्शन भी, तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा, फिर अपन इसका आंसर बताएंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पेन देखने को मिलता है जब आप कुछ स्वेलो करते हैं, यानी आप जब भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, फूड ईट करते हैं, तो उसको जैसे ही आप स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो उसके दौरान आपके अंदर पेन देखने को मिलता है, उसके दौरान पेन देखने को मिलता है आपके थ्रोट के अंदर। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कभी भी रिपीट हो सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके व्हाट्सएप से रिगार्डेड। देखिएगा, यहां पर टर्म दी हुई है व्हाट्सएप असेसमेंट इज यूज्ड फॉर, व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ व्हाट्सएप, ये आपका व्हाट्सएप वो नहीं है जो आप मोबाइल में चलाते हो, आपका मोबाइल वाला व्हाट्सएप ये नहीं है, ठीक है, ये व्हाट्सअप है, WHATSUP अप, ठीक है, व्हाट्स अप है। असेसमेंट इज यूज फॉर, ये किसके असेसमेंट के लिए काम में लिया जाता है, जो व्हाट्सअप असेसमेंट होता है वो किसके असेसमेंट के लिए काम में लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, लोकल इन्फेक्शन ऑफ आई, आई के लोकल इन्फेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है लोकल इन्फेक्शन ऑफ ईयर, ईयर के लोकल इन्फेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। थर्ड ऑप्शन यहां पर लोकल इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, थ्रोट के लोकल इन्फेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए ये काम में लिया जाता है, किसके असेसमेंट के लिए व्हाट्सअप जो असेसमेंट होता है वो किया जाता है या काम में लिया जाता है, जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है, क्या इसका सही आंसर होगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, जल्दी कीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ सके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन आपके आपको नहीं आता है तो फिर वो बहुत
एक तरीके से कहें अच्छी बात नहीं है, तो आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, चलेगा। और जिसको नहीं आता है वो भी परेशान नहीं हो, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जाएगा। आगे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये रिपीट होता है तो फिर आपको बिल्कुल सही आंसर इसका देना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, सबके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, सभी के आंसर को मैं देख रहा हूँ, जल्दी कीजिएगा। और सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए और सभी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। जल्दी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए, चलेगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई से रिगार्डेड जो असेसमेंट होता है उसको किया जाता है आपके किसके थ्रू व्हाट्सएप असेसमेंट के थ्रू। व्हाट्सएप असेसमेंट के थ्रू आपके आई से रिगार्डेड जो असेसमेंट किया जाता है वही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ईयर के रिगार्डेड इसका असेसमेंट नहीं होता है, थ्रोट के रिगार्डेड नहीं होता है, ऑल ऑफ दी तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई से रिगार्डेड जो लोकल इन्फेक्शन होते हैं उनको चेक करने के लिए व्हाट्सएप असेसमेंट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट्सएप असेसमेंट होता क्या है, तो व्हाट्सएप असेसमेंट क्या होता है वो अभी आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी बताएंगे व्हाट्सएप असेसमेंट क्या होता है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं, फिर व्हाट्सएप असेसमेंट को अपन समझते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, 112 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, आपको आना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है, चलेगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, इन असेसमेंट व्हाट्सएप पी इज इंडिकेट, देखिएगा व्हाट्सएप के अंदर जो पी आ रहा है, उस वो क्या इंडिकेट करता है। आपको पता चल गया व्हाट्सएप असेसमेंट किसके लिए काम में लिया जाता है, तो व्हाट्सएप असेसमेंट जनरली आई के अंदर जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं उनको चेक करने के लिए काम में लिया जाता है ना। तो इसके अंदर जो पी वर्ड आता है, व्हाट्सएप के अंदर जो पी है वो किसको इंडिकेट करता है, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर है सीवेरिटी को, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर है फोटो सेंसिटिविटी को, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है पस को, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है प्रूराइटिस को, चलेगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग कम है, फिर इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पी फॉर फोटो सेंसिटिव, ठीक है। पी फॉर होता है फोटो सेंसिटिविटी, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। पी असिसमेंट सॉरी व्हाट्सएप असिसमेंट के अंदर जो पी इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है, फोटो सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। ये पस को इंडिकेट नहीं करता है, प्रूराइटिस को नहीं करता है, सीवियरिटी को तो बिल्कुल भी नहीं करता है, तो फोटो सेंसिटिविटी को ये इंडिकेट करता है। तो आप जानते हैं कि व्हाट्सएप असिसमेंट होता क्या है, चलेगा। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में किसी भी वर्ड से लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान से समझेगा, क्योंकि काफ़ी सेलेक्ट करके, काफ़ी आपके मॉड्यूल्स को मोल्डेड करके, निचोड़ करके ये क्वेश्चन निकाले हैं, और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा, चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जा रहा है, व्हाट्सअप, देखिएगा यहां पर वर्ड है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के हर वर्ड में देखिएगा, पहला वर्ड है यहां पर डब्लू, फिर है एच, फिर है ए, फिर है टी, फिर है एस, फिर ए यू, फिर क्या है पी, ये वर्ड है, एक बार अलग तरीके से ऊपर से लिखते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है देख लीजिएगा, पहला वर्ड है आपका W, फिर H, फिर A, फिर T, फिर S, फिर U, फिर P, ये वर्ड है। हर वर्ड से एक नया मीनिंग यहाँ निकलेगा, और हर वर्ड से एक असेसमेंट यहाँ पर निकलेगा। आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम में ये काम में लिया जाता है, याद रखिएगा, जो कॉमन आई इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये काम में लिया जाता है, उसके असेसमेंट के लिए काम में लिया जाता है। सबसे पहले वर्ड की अगर अपन बात करें तो ये होता है व्हाट पार्ट ऑफ आई इज अफेक्टेड, याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क यहां पर बनेगा व्हाट पार्ट ऑफ आई इज अफेक्टेड, कौन सा पार्ट आपकी आई का, आपकी आंख का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है,
व्हाट्सअप का पहला वर्ड कंप्लीट होता है। व्हाट्सअप का मतलब होता है, या व्हाट डब्ल्यू का मतलब होता है, व्हाट पार्ट ऑफ आई इज अफेक्टेड, आपकी आईज का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है। लाइक आपकी आईलिड अफेक्ट हुई है, या फिर आपकी कंजक्टिवा अफेक्ट हुई है, या फिर आपकी कॉर्निया अफेक्ट हुई है। ठीक है, तो आईज का, आपकी आंख का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, पहला वर्ड समझ में आ गया। दूसरा वर्ड है यहां पर एच, और दूसरे वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग अपन देखें, दूसरे वर्ड का अगर मीनिंग अपन देखें, तो इसका मीनिंग होता है हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील। आपके अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो ये बताइए हमें कि आपको कैसा फील हो रहा है। एच फोर होता है आपको कैसा फील हो रहा है, व्हाट्सएप में एच आ गया तो आपको कैसा फील हो रहा है, चलिए बता दीजिएगा हमें फटाफट से, ताकि हम आगे असेसमेंट करें। ठीक है, तो इसके अंदर पेशेंट कहेगा कि मुझे पेनफुल हो रहा है, पेशेंट कहेगा कि मुझे स्पाज्म हो रहा है, पेशेंट कहेगा कि मुझे इरिटेशन हो रही है, ऐसा पेशेंट अपना एक्सपीरियंस बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें व्हाट्सएप के अंदर नेक्स्ट वर्डर की, नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज ए, ए फोर होता है, ए फोर होता है एग्रीवेटिंग फैक्टर, ए फोर होता है एग्रीवेटिंग फैक्टर, क्या होता है एग्रीवेटिंग फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर मतलब कि एलिवेशन फैक्टर, क्या एलिवेशन फैक्टर, जो कि आपके अंदर इन्फेक्शन कोज करवा रहा है, जो कि आपके अंदर इन्फेक्शन कोज करवा रहा है, यानी आप आंख को बार बार ब्लिंक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आंख को बार बार क्या कर रहे हो, एक तरह से रब कर रहे हो, तो वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं, जो कि आपकी आईज के अंदर क्या होते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं, इरिटेशन करवाते हैं। और मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो भी अभी जुड़े हुए हैं, नोटबुक उठाकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी वर्ड से, बाद में मत कह दियो सर बताया नहीं था हमें, चलेगा। नेक्स्ट वर्ड की अगर अपन बात करें, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट वर्ड की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहां पर होता है, देखिएगा पहला वर्ड आपको पता चल गया व्हाट पार्ट इज अ फील, ठीक है, व्हाट पार्ट इज अफेक्टेड, देन है हाउ डज इट फील, आपको कैसा फील हो रहा है, और ए का अपन ने देखा कि एग्रीवेटिंग फैक्टर। अगर अपन बात करें टी की, अगर अपन बात करें टी की, तो टी फोर होता है टाइमिंग, टी फोर होता है टाइमिंग, यानी किस टाइमिंग पर आपको बर्निंग सेंसेशन हुआ है, या किस टाइम से आपको क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रखा है, यानी ऐसा फील हो रहा है। उसके बाद अगर एस की बात करें, उसके बाद अगर अपन एस की बात करें, एस फोर होता है सीवियरिटी, क्या होता है सीवियरिटी, कि कितना सीवियर पेन आपको हो रहा है। पेशेंट से असेसमेंट कर रहे हैं आप लोग, पेशेंट से असेसमेंट कर रहे हो आप, आपके पास पेशेंट आया है आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम लेकर, आपको ये असेसमेंट करना है। ठीक है, तो पहला वर्ड आपने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, टाइमिंग में आपको टी में टाइमिंग में देख लिया, और S4 यहां पर आपने क्या देख लिया, S4 आपने क्या देख लिया, यहां पर S4 देख लिया आपने सीवियरिटी, कि कितना सीवियर पेन आपको हो रहा है, कितना सीवियर इरिटेशन आपको हो रहा है। उसके बाद अगर U की बात करें, U4 होता है यूजफुल डाटा एसोसिएटेड सिम्टम, क्या होता है यूजफुल डाटा, यूजफुल डाटा यूजफुल डाटा एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद सिम्टम्स, सिम्टम्स की रिगार्डेड जो यूजफुल डाटा है वो आपको कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद P4 होता है आपकी फोटो सेंसिटिविटी, P4 होता है आपकी फोटो सेंसिटिविटी, जो कि आपको ऑप्शन में पूछा था। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट्सएप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट्सएप असेसमेंट क्या होता है। व्हाट्सएप मतलब पहला वर्ड है डब्ल्यू, जिसका मीन्स होता है आपकी आईज का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, व्हाट पार्ट इज अफेक्टेड, कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है। H4 बात करें तो H4 होता है हाउ डज इट फील, आपको कैसा फील हो रहा है। उसके बाद अगर A की बात करें तो आपका एग्रीवेटिंग फैक्टर या एलिवेशन फैक्टर यहां पर अपन कहेंगे। उसके अलावा T की बात करें तो टाइमिंग होता है, S की बात करें तो सीवियरिटी होता है, U की बात करें तो जो यूजुअल डाटा ऑफ एसोसिएटेड जो सिम्टम्स के रिगार्डेड यूजुअल डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा P की बात करें तो फोटो सेंसिटिविटी होता है। और उम्मीद करता हूँ इसके हर वर्ड का मीनिंग आपको याद होगा और आपने नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं नोट किया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि उनको आगे से ये याद रहे। अब देखिएगा यहीं से मैं क्वेश्चन आपसे बना दूँ, यहीं से मैं क्वेश्चन बना दूँ कि व्हाट्सअप जो वर्ड हैं उसके अंदर जो एस हैं, व्हाट्सएप वर्ड है उसके अंदर जो एस है वो क्या इंडिकेट करता है या किसको इंडिकेट करता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन है सीवियरिटी, सेकंड ऑप्शन है फोटो सेंसिटिविटी, थर्ड ऑप्शन है पस, और फोर्थ ऑप्शन है
प्रूराइटिस। तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या जाएगा, एस4। सर आपने अभी बता दिया कि सीवरिटी होती, क्या होती है, सीवरिटी होती है। आपका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। उम्मीद करता हूं इससे रिगार्डेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, अगर कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 100% आप सही से इसको सोल्व कर पाएंगे। चलेगा, इसी के साथ मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड अपन पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रेडनेस ऑफ आई, आपकी रेडनेस ऑफ आई है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है। जल्दी से आपको आंसर देना है, जो रेडनेस ऑफ आईज है उसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है, क्या मोस्ट कॉमन कोज होता है, जल्दी से आपको आंसर देना है, जल्दी कीजिएगा। जो रेड आईज देखने को मिलती हैं उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, क्या बैक्टीरिया होता है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या वायरस होता है, थर्ड ऑप्शन क्या क्लेमाइडिया होता है, फोर्थ ऑप्शन क्या एलर्जी होता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, मोस्ट कॉमन कोज। हालांकि सभी कोज कर सकते हैं रेडनेस आईज, जो रेड आईज है सभी कोज कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर है जो कि सबसे ज्यादा केसेस में देखने को मिलता है, यानी मोस्ट प्रायोरिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस में देखने को मिलता है आपका रेड आईज। तो किसके अंदर देखने को मिलता है, कौन सा कोजेज है जो कि रेड आईज कोज करता है जनरली। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, वायरल, वायरस के कारण से रेड आईज जनरली देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ दी केसेस के अंदर वायरल इन्फेक्शन के कारण से ही रेड आईज देखने को मिलती है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक BPCCHN टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसका आज पांचवा टेस्ट है। उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको टेस्ट मिल रहे हैं, डेली अप टू डेट टेस्ट मिलेंगे, डेली एक टेस्ट आपको मिल रहा है, ब्लॉक वाइज फुल पेपर टेस्ट और एग्जाम बेस्ड पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये ऑफर और ये वैलिड रहेगा आपको 15 फरवरी तक, और इसके लिए ज़्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि जितना टाइम आप वेट करेंगे उतना टाइमिंग क्वेश्चन पेपर छूटते जाएंगे। और अभी तक आपने चार पेपर दिए लिए, आज पांचवा पेपर आपका है, तो जरूर उसको दीजिएगा जिसने भी ज्वाइन कर रखा है, और बेनिफिट लीजिएगा, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मिल रहा है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और आप सर्च कर लीजिएगा BPCCHN के रिगार्डेड, कहीं पर भी ऐसा कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखा क्वेश्चन क्या कहता है, 114 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं, क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO डेवलप द सेफ स्ट्रेटजीज, जो सेफ स्ट्रेटजीज होती हैं, सेफ स्ट्रेटजीज होती हैं वो WHO ने क्या किए, डेवलप किए हैं, लेकिन किसके लिए डेवलप किए, किसके असेसमेंट के लिए सेफ स्ट्रेटजीज डेवलप की गई हैं, किसके लिए पर्टिकुलर, किस डिजीज के लिए सेफ स्टडीज, दिख रहा है ना यहाँ पर सेफ स्टडी। और ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियसली क्वेश्चन सेशन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और BPCCHN के अंदर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेगा ट्रेकोमा, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेगा ट्रेकोमा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर देखेगा कंजक्टिवाइटिस, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर देखेगा स्टाई, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर देखेगा कैटारेक्ट। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है, जो सेफ स्ट्रेटजी है वो WHO ने किसके लिए डेवलप की थी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, दो बार रिपीट हो चुका है आपके BPCCHN एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रेकोमा बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रेकोमा बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रेकोमा के रिगार्डेड WHO ने सेफ स्ट्रेटजी डेवलप की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकता है, आपके एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर सेफ स्ट्रेटजीज होती क्या है, इसका फुल फॉर्म भी जरा बता दीजिएगा, तो डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी दिया जाएगा, डोंट वरी, और कॉन्फिडेंस भी दिया जाएगा, और आपको क्लियर भी करवाया जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, आपको सब कुछ यहां पर अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजीज के बारे में आपको जरूर पता चल जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। चलेगा, समझ में आ गया, इतना सा अभी याद रखिएगा, WHO ने डेवलप किया था सेफ स्ट्रेटजीज, किसके लिए डेवलप किया था, ट्रेकोमा के रिगार्डेड डेवलप किया था, किसके रिगार्डेड, ट्रेकोमा के रिगार्डेड डेवलप किया था। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द सेफ स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी ए इंडिकेट, जो सेफ स्ट्रेटजीज है, सेफ स्ट्रेटजी है, यहाँ पर देखेगा सेफ, एस ए
एफ ई। देखिए सब वर्ड के लिए, हर वर्ड के लिए एक नया फुल फॉर्म बनेगा, हर वर्ड के लिए एक नया इंडिकेशन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसकी शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म तो बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा सर। शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म बनेगा, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या बनेगा वो भी बताएंगे। बिल्कुल अभी आपसे क्वेश्चन किया गया है जिसमें शेप के अंदर जो ए है वो किसको इंडिकेट करता है जरा बता दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा एंटीसेप्टिक्स को इंडिकेट करता है, सेकेंड ऑप्शन यहां पर देखेगा अवेयरनेस को इंडिकेट करता है, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा एंटीबायोटिक को इंडिकेट करता है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा नन ऑफ दी अबव को इंडिकेट करता है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या अवेयरनेस को इंडिकेट करता है, क्या एंटीसेप्टिक को इंडिकेट करता है, क्या एंटीबायोटिक को इंडिकेट करता है, या फिर किसी को भी इंडिकेट नहीं करता है? जल्दी से आपको कमेंट करना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी सारे अपने पास हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करें ताकि अपन आगे बढ़ते रहे। सेफ स्ट्रेटेजी किसके लिए डेवलप की गई थी वो तो आपको पता चल गया कि ट्रेकोमा के लिए डेवलप की थी सेफ स्ट्रेटजीज। अब सेफ स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर हर वर्ड के लिए क्या क्या इसकी फुल फॉर्म है और स्पेशली क्या इसके अंदर बताया गया था वो आपको याद रखना है। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ए फोर एंटीबायोटिक। ए फोर क्या होता है? एंटीबायोटिक, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा जो सेफ स्ट्रेटजी है, सेफ है, इसके अंदर जो ए वर्ड है ये इंडिकेट करता है आपका एंटीबायोटिक को। किसको इंडिकेट करता है? एंटीबायोटिक को इंडिकेट करता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन आप अभी भी कहेंगे सर इसका एक बार फुल फॉर्म तो बता दीजिएगा कि क्या होता है, तो डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। चलेगा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 116 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेफ स्ट्रेटजी। सेफ जो स्ट्रेटजी है, सेप स्ट्रेटजी है, उसके अंदर जो सेप है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। एक्चुअली में आखिर ये होती क्या है वो आपसे पूछा है। चलेगा फुल फॉर्म अपन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, थोड़ा सा सस्पेंस के साथ ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ स्क्रीन पूरी दिख रही होगी आपको। चलेगा पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेगा, पहला ऑप्शन है सर्जिकल केयर, यानी एस फोर सर्जिकल केयर, ए फोर एंटीबायोटिक, ए फॉर एंटीबायोटिक, एफ फॉर फेशियल क्लीननेस और ई फॉर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है एस फॉर सर्जिकल केयर, ए फॉर एंटीबायोटिक, एफ फॉर फेशियल नंबनेस और ई फॉर एनवायरमेंटल हजार्ड्स। सी ऑप्शन है एस फॉर सूचरिंग सेफ्टी, एस फॉर सूचरिंग सेफ्टी, ए फॉर एंटीबायोटिक, एफ फॉर फेशियल क्लीननेस और ई फॉर एनवायरमेंटल हजार्ड। डी ऑप्शन है एस फॉर सक्शनिंग, ए फॉर एंटीबायोटिक, एफ फॉर फेशियल क्लीननेस एंड ई फॉर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। चलिएगा समझ में आ गए सारे ऑप्शन। चलिए अब आपको आंसर देना है, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा सेप का स्ट्रेटजीज क्या होता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं अपने मॉड्यूल्स को जरूर उठाकर देखिएगा, क्योंकि अगर यहां पर जीवन एजुकेशन पर ये अवेलेबल नहीं करवाया जाए तो 100% आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि मॉड्यूल से कोई क्वेश्चंस नहीं बनाकर बता रहा आपको। मॉड्यूल से कोई भी जो भी आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रहा है 100% मैं कहता हूं मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल करवा रहा है। जो भी अवेलेबल करवा रहा है, जो एक पीडीएफ आपके पास है, एक पीडीएफ आपके पास है जो कि समथिंग 350-350 पेज की समथिंग वो पीडीएफ है, उसके अंदर से सभी क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रखे हैं। आप सबने देखे होंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन आपके जो मॉड्यूल्स हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा। इसीलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं आपके मॉड्यूल्स से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनेगा कहाँ से, आपके मॉड्यूल से बनेगा। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं आपके मॉड्यूल से। तो जो भी कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि सभी तक सेशन पहुँचे। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन के अंदर अगर सेफ स्ट्रेटजी की बात करें आप आइडिया लगा लीजिएगा क्या होगा। चलेगा मैं इसका बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर जो सेफ स्ट्रेटजी का मतलब होता है एस फोर होता है सर्जिकल केयर, एस फोर होता है सर्जिकल केयर, ए फोर होता है एंटीबायोटिक, एफ फोर होता है फेशियल क्लीनलीनेस, फेशियल क्लीनलीनेस
और ई फॉर होता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। चलेगा, अब बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलेगा पहला ऑप्शन ही सही है सर, बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एस फॉर होता है सर्जिकल केयर, ए फॉर होता है एंटीबायोटिक, एफ फॉर होता है स्पेशल क्लीनलीनेस और ई फॉर होता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर्जिकल केयर, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीनलीनेस और एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। क्या होता है? एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और स्पेशली यहां पर जो एंटीबायोटिक अवेलेबल करवाई जाती है, एंटीबायोटिक अवेलेबल करवाई जाती है वो एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। एजिथ्रोमाइसिन तो ओरली अवेलेबल करवाई जाती है वन डोज, सिंगल डोज, और टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट के रूप में यहां पर काम में लिया जाता है। किसके लिए, किस पर्पज के लिए? आपको पता है सर, ट्रेकोमा के मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? ट्रेकोमा के मैनेजमेंट के लिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट है और अभी आपको आंसर देना है, फिर आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर ट्रेकोमा। चलिएगा आंसर बताइएगा ट्रेकोमा के रिगार्डेड क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन सी एंटीबायोटिक यहां पर यूज की जाती है। पहला ऑप्शन यहां पर देगा पेनिसिलिन, सेकंड ऑप्शन यहां पर देगा एमोक्सिसिलिन, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा एजिथ्रोमाइसिन, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा ऑल ऑफ दी अबोव। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर है, ट्रेकोमा के रिगार्डेड कौन सी एंटीबायोटिक यहां पर यूज की जाती है। आपका आंसर जाएगा सर सारी यूज की जाती है, आपका आंसर ये जाएगा सर सारी यूज की जाती है, लेकिन नहीं, सारी नहीं की जाती है। मैं बता दूं फोर्थ ऑप्शन यहां पर गलत है, फोर्थ ऑप्शन पर अगर आप जा रहे हैं तो ये गलत है। तीन ऑप्शन में से चूज कीजिएगा कौन सा बताया, और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ बने होंगे ना तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एंटीबायोटिक का नाम। ट्रेकोमा के अंदर जो सेफ स्ट्रेटजी जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग भी अगर अपन बात करें, WHO के अकॉर्डिंग भी बात करें तो एक एंटीबायोटिक है, बेसिकली दो एंटीबायोटिक जो कि मैंने बताया, एक तो टेबलेट फॉर्म में यानी ओरली यूज कर सकते हैं और एक ऑइंटमेंट के रूप में यूज करते हैं। याद रखेगा, मैं बता देता हूं इसका आंसर, लेकिन अब से आपको याद रखना है, दोबारा से मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अंदर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर अगर एंटीबायोटिक की बात की जाती है, अपन अगर एंटीबायोटिक की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर यूज की जाती है जनरली एजिथ्रोमाइसिन। जनरली कौन सी एंटीबायोटिक? एजिथ्रोमाइसिन। अगर दूसरी एंटीबायोटिक की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर काम में ली जाती है। कौन सी? टेट्रासाइक्लिन काम में ली जाती है, जो कि ऑइंटमेंट के रूप में काम में ली जाती है। याद रखेगा, अगर ऑइंटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट यहाँ पर ट्रेकोमा में यूज किया जाता है, और एंटीबायोटिक ओरली बात की जाए तो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पर काम में लिया जाता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ स्टाई एक्सेप्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ये कहता है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से स्टाई का ऑप्शन नहीं है, यानी सिम्टम्स की बात की जा रही है। स्टाई आप सब जानते हो, स्टाई आप सब जानते हो किसका इन्फेक्शन होता है, स्टाई बताइए, जल्दी से बताइए, स्टाई मतलब क्या होता है, जल्दी से आपको आंसर देना है, स्टाई मतलब क्या होता है हमें बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अलावा आगे बढ़ेंगे। स्टाई क्या होती है? जनरली आपने पढ़ा होगा, जनरली आपने सुना होगा स्टाई का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे स्टाई क्या होता है, तभी तो जाकर आपको सिम्टम्स पता चलेगा। स्टाई का मतलब बताइएगा बिल्कुल, फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा जल्दी कीजिएगा, स्टाई पहले सिम्टम्स आप बता दीजिएगा, चलेगा फिर बात करते हैं स्टाई का मतलब क्या होता है। चलेगा स्टाई के अंदर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन एक ऐसा सिम्टम आपके ऑप्शन में है जो कि स्टाई के अंदर देखने को नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेगा पेन, सेकंड ऑप्शन देखेगा एबनॉर्मल टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन देखेगा रेडनेस और फोर्थ ऑप्शन देखेगा डिस्चार्ज। ठीक है, पेन एबनॉर्मल टेस्ट, रेडनेस और डिस्चार्ज, जल्दी से बताइएगा क्या इसका ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जल्दी से आपको आंसर देना है। क्या पेन नहीं होता है क्या इसमें? क्या एबनॉर्मल टेस्ट के रिगार्डेड नहीं है क्या? क्या नहीं है, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलेगा इसके अंदर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर
सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टाई जो है आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, और यहाँ टेस्ट की बात की जा रही है, टेस्ट से लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन एब्नॉर्मल टेस्ट का लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है। यहाँ टेस्ट से रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन गलत दे दिया आपने, बिल्कुल गलत गलत ऑप्शन है आपका सेकेंड ऑप्शन, और बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के रिगार्डेड बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्ट आपसे पूछा था, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, चलेगा याद रखेगा। उसके बाद अगर अपन स्ट्राइक की बात करें, सॉरी स्ट्राइक की अगर अपन बात करें, तो स्ट्राइक मतलब जनरली होता है, स्ट्राइक होती है जनरली जो आपकी आपकी जो एक्सटर्नल हार्डियोलम होती है, हार्डियोलम जानते हो, हार्डियोलम जानते हो, नहीं जानते हो, चलो हार्डियोलम की बात छोड़ो, आप जो आइज के अंदर जो जाइज ग्लैंड होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जाइज ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर जाइज ग्लैंड भी आप नहीं जाने, जाइज मतलब देखिएगा, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जाइज ग्लैंड प्रेजेंट इन, आपका राइट आंसर हो जाएगा आइज, आपका राइट आंसर होगा आइज, आई के अंदर जाइज ग्लैंड अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अगर आपको पूछा जाए हार्डियोलम क्या होता है, तो आपको बताना होगा हार्डियोलम भी क्या होता है, आपके कहां पर अवेलेबल होता है, हार्डियोलम भी आपके आईज के अंदर अवेलेबल होता है, आपके आईज के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर बेसिकली जनरली अपन कहे इसका क्या होता है, तो आपकी आई लेसेस होती है, आई लेसेस जो होती है उनके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए, आई लेसेस या आई लेसेस की जो फोलिकल्स होती है, फोलिकल्स आप समझ लीजिएगा, फोलिकल्स जो होती है उनके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज स्टाई, समझ गए, स्टाई इसको कह सकते हैं, जो फोलिकल्स लेसेस फोलिकल्स होती है, आई लेसेस जो फोलिकल्स होती है उनके अंदर अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको स्टाई कहते हैं। जहां पर अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेन जनरली होता है, रेडनेस हो सकती है, डिस्चार्ज वहां पर हो सकता है, टेस्ट देखने को वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि टेस्ट आई से रिगार्डेड कोई सिम्टम्स नहीं होता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ स्टाई से रिगार्डेड आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ईजी क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जस्ट अ मिनट क्वेश्चन कहता है आपका, चलेगा 119 नंबर क्वेश्चन आपका था, और 119 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरल ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर एक्सेप्ट, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन डायरेक्टली ये कह रहा है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से सभी ऑप्शन रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर किससे रिगार्डेड, सर आई से रिगार्डेड है, आई के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिलते हैं, तो सभी ऑप्शन यहां पर रिफ्रैक्टिव एरर है, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर गलत है, एक्सेप्ट करके हमें उसको बाहर निकालना है। चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, पहला ऑप्शन आपका आपके सामने है एस्टिगमेटिज्म, सेकेंड ऑप्शन यहां पर है प्रेस बायोपिया, थर्ड ऑप्शन यहां पर है कैटारेक्ट, फोर्थ ऑप्शन यहां पर है हाइपरमेट्रोपिया। जल्दी से आपको आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत है, गलत ऑप्शन को आपको ढूंढना है और सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत दिया हुआ है, जल्दी कीजिएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिएगा रिफ्रैक्टिव एरर की अगर अपन बात करें, ऑटोमेटिकली आंसर आपका निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव एरर की अगर अपन बात करें, तो रिफ्रैक्टिव एरर में आता है मायोपिया, क्या आता है, मायोपिया आता है, रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर आता है आपका हाइपर मेट्रोपिया आता है, रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर आता है आपका एस्टिगमेटिज्म आता है, रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर आता है आपका प्रेस बायोपिया आता है। बताइएगा अब आपका आंसर, बताइएगा ये चार एरर है जो कि रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर आते हैं, आई से रिगार्डेड जो रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं वो चार डिसऑर्डर आते हैं, चार रिफ्रैक्टिव एरर आते हैं, कौन सा नहीं है, चलेगा बताइएगा, सर एस्टिगमेटिज्म है, ब्रेस बायोपिया है, सर हाइपरमेट्रोपिया है, सर कैटारेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, कैटारेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, ये रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर कैटारेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव एरर क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर मतलब जो कि जो लेंस होता है उसके अंदर रिफ्रैक्शन के कारण से,
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आप जानते हो लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण से जो एबनॉर्मल विजन हो जाता है, यानी विजन एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, विजन देखने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। डिस्टेंस पर लेने पर या पास में लेने पर, दूर पर लेने पर, इनमें क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, दैट इज रिफ्रेक्टिव एरर। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूँ चलेगा, सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, आना चाहिए आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलेगा। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कॉमनेस्ट कोजेज, कॉमनेस्ट कोजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉमनेस्ट कोजेज ऑर्गेनिज्म फॉर ASOM, देखिएगा कॉमनेस्ट कोजेटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा है किससे रिगार्डेड, ASOM, ASOM। अब ASOM होता क्या है हमें तो पता ही नहीं है, अब AOS आपको, ASOM आपको याद नहीं है तो आप आंसर कैसे लगाएंगे, तो जल्दी से आपको आंसर बताना है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ क्या है, A4 होता है एक्यूट, A4 होता है एक्यूट, S4 होता है सुपुरेटिव, S4 होता है सुपुरेटिव, सुपुरेटिव, O4 होता है ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया हो गया है। चलिए अब बताइए, समझ में आ गया किससे रिगार्डेड प्रॉब्लम है, सर ईयर से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, सर ईयर से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, और आपका जो मिडिल ईयर है उसके अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया है, लेकिन कौन सा, एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ, यानी आपकी स्टेशियन जो ट्यूब होती है वो भी अफेक्ट हो रही है, आपका मिडिल ईयर भी अफेक्ट हो रहा है, चलेगा। जल्दी से आंसर आपको बताना है, इसका जो कॉमनेस्ट कॉजेटिव फैक्टर है वो कौन सा है, पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर मोरेक्जेला कैटारेलिस, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दी अबव। चलिएगा जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछा है जो कि ASOM कोज करता है, यानी एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कोज करता है, जो कि ईयर से रिगार्डेड प्रॉब्लम है। तो ध्यान रहे, ऐसी फुल फॉर्म भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कॉमनेस्ट कोजेज माना जाता है ओटाइटिस मीडिया का, या फिर एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया का, वो आंसर होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेगा क्वेश्चन कहता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन एक्सेप्ट निकालना है। दो तरीके से हियरिंग लॉस होती है, आप सबको पता है, एक तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होती है, एक सेंसोरियल हैंड हियरिंग लॉस होती है, आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, चलेगा। अभी बताइएगा आप क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताना है। यहां पर हियरिंग लॉस हो रहा है, कौन सा हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा है, तो वो डिफेक्ट किसके कारण से होता है, यहां पर पूछा है एक्सेप्ट, यानी किसके कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं होता है। पहला ऑप्शन यहां पर है ईयर कैनाल, सेकंड ऑप्शन यहां पर है ईयर ड्रम, थर्ड ऑप्शन यहां पर है ऑडिटरी नर्व, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ओसिकल्स। जलेगा, जल्दी से आंसर बताएगा किसके कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं होती है, कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत है। फॉलोइंग सभी ऑप्शन के कारण से हियरिंग लॉस होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है, लेकिन एक ऑप्शन है जिसके कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं होती है, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि इसके कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं होता है, इसके कारण से सेंसोरियल न्यूरल हियरिंग लॉस होता है।
तो ईयर केनाल के कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के कारण से हो सकता है, ओसिकल यानी ईयर बोन के कारण से हो सकता है, तो इन तीनों के कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। लेकिन जो ऑडिटरी नर्व हैं उसके कारण से कंडक्टिंग हियरिंग लॉस नहीं होता है, इसके कारण से सेंसोरियल न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो तरीके से हियरिंग लॉस होती है, जिसको अपन जनरली हियरिंग लॉस को डिफनेस कहते हैं, जनरली क्या कहते हैं, डिफनेस कहते हैं, बेरापन कहते हैं। और बेरापन जनरली दो तरीके से होता है, हियरिंग लॉस जनरली दो तरीके से होता है। पहला होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है, दूसरा होता है सेंसोर न्यूरल हियरिंग लॉस, इस तरीके से होता है। ठीक है, सेंसोर न्यूरल हियरिंग लॉस, अगर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो रहा है तो जनरली वो होता है ईयर के कारण से, ईयर कैनाल के कारण से, ईयर ड्रम के कारण से, ईयर ओसिकल्स के कारण से, इन सब के कारण से कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है, क्योंकि कंडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हियरिंग लॉस हो जाता है। अब यहां पर दो तरीके की बात आएगी, सेंसरी और न्यूरल, यानी नर्व सिस्टम से भी रिगार्डेड यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, नर्व भी डैमेज हो सकती है, नर्व के कारण से भी ये हो सकती है। यानी अगर ऑडिटरी नर्व काम नहीं कर रही है तो उसके कारण से भी डिफनेस हो जाती है, यानी इसके कारण से जनरली इसके अंदर जनरली जो ऑडिटरी नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व के कारण से सेंसोरियल न्यूरल डिफेक्ट हो सकता है, सेंसोरियल न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकती है। उसके अलावा कोकलिया के बारे में आपने सब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो कोकलिया के अंदर डिफेक्ट हो जाए, उसके कारण से भी सेंसोरियल न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो दो तरीके से डिफनेस होता है, दो तरीके से हियरिंग लॉस होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इससे रिगार्डेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उम्मीद करता हूं आप सही से उसका आंसर कर पाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, 122 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ओसिकुलोप्लास्टी इज रिपेयरिंग ऑफ, ओसिकुलोप्लास्टी अपन करते हैं तो वो किसके रिपेयरिंग के लिए करते हैं, क्या ईयर केनाल को रिपेयर करते हैं, क्या ईयर ड्रम को रिपेयर करते हैं, क्या ईयर बोन को रिपेयर करते हैं, क्या सभी को रिपेयर करते हैं। जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ओसिकुलोप्लास्टी किसके रिपेयरिंग को कहते हैं, या ओसिकुलोप्लास्टी के अंदर जो एक प्रोसीजर है किसकी रिपेयरिंग की जाती है, जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। क्या ईयर केनाल को रिपेयर करेंगे, क्या ईयर ड्रम मतलब बोले तो आप सबको पता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, क्या ईयर बोन को, क्या ऑल ऑफ दी अबव को। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए, 122 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा, ईयर बोन। और ईयर बोन को जनरली अपन क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ओसिकल्स कहते हैं, तो ओसिकल्स की रिपेयरिंग करेंगे, ओसिकुलोप्लास्टी होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ओसिकुलोप्लास्टी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ईयर बोन को ओसिकुलोप्लास्टी कहते हैं, ओसिकुलोप्लास्टी मतलब कि ओसिकल्स के अंदर रिपेयरिंग करना, और ओसिकल्स को जनरली क्या कहते हैं, ईयर बोन, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, जानते होंगे आप, नहीं जानते तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल्स का निचोड़ है, बिल्कुल राइट आंसर इसका। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 123 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर व्हेन अ ग्लैंड इन और ऑन द आईलिड्स बिकम प्लज्ड और ब्लॉक्ड। चलेगा, क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर यह पूछा है कि बताइएगा वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो एक ग्लैंड है यानी आईलिड ग्लैंड है, क्या करें, व्हेन अ ग्लैंड इन और ऑन द आईलिड बिकम प्लज्ड और ब्लॉक्ड, जब आपकी जो ग्लैंड है वो बिकम क्या हो जाती है, प्लग हो जाती है और ब्लॉक्ड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं। चलेगा, बताइएगा, आईलिड्स की बात की जा रही है, आईलिड्स कैसी हो जाती हैं, प्लज हो जाती हैं और ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अकर व्हेन द ग्लैंड इन और ऑन द आईलिड बिकम द प्लज्ड और ब्लॉक्ड। चलेगा, थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था आपको, वही आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या ऐसी कंडीशन के अंदर पिंक आईज देखने को मिलेगी, क्या ऐसी कंडीशन को स्टाई अपन कहेंगे, क्या ऐसी कंडीशन को ग्लूकोमा हम कहेंगे, क्या ऐसी कंडीशन को आई एलर्जी हम कहेंगे। कंडीशन आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन ये कहता है कि जब आपकी आईज के अंदर कोई ग्लैंड आपकी
आई के अंदर या आपकी आई के ऊपर क्या हो जाती है, ठीक है, आपकी आईज के अंदर ऊपर या अंदर अगर उसके अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसके कारण से आपकी आईलिड क्या हो जाती है, प्लस्ड हो जाती है या फिर ब्लॉक्ड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आई पिंक आईज कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है स्टाई कहेंगे, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोमा कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन है एलर्जी कहेंगे, आई एलर्जी कहेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर आपको देना है, चलेगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्टाई कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि आपकी जो आई लेसेस होती है, आई लेसेस की जो फोलिकल्स होती है जनरली अगर उसके अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, पेन होता है, उसके अलावा डिस्चार्ज हो सकता है, उसके अलावा इरिटेशन हो सकती है, अगर ये होता है तो ऐसे कंडीशन को अपन स्टाई कहते हैं। यहाँ कंडीशन यही है जो मैंने ये भी बताया था, जाइस ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर जो ग्लैंड की बात की जा रही है वो कौन सी ग्लैंड की बात की जा रही है, जाइस ग्लैंड की बात की जा रही है, जो कि आपकी कहाँ पर है, आईज के अंदर होती है, आपकी आई लेजेज वगैरह जो होती है। तो यहाँ पर आईज के अंदर जो जाइस ग्लैंड होती है उनके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ, जिसके कारण से आपकी आई लीड कैसी होगी, प्लग हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है, इसी को कहते हैं अपन स्टाई, इसी को क्या कहते हैं, स्टाई कहते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 124 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टिनी स्पॉट दैट अपियर इन योर आई विजन फील्ड, योर विजन फील्ड। यानी क्वेश्चन यहां पर यह कहता है, कि आपकी आईज का जो विजन फील्ड होता है, आपकी आईज के जो विजन फील्ड होता है वहां पर अगर टीनी छोटे छोटे स्पॉट दिखने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टीनी स्पॉट दैट अपियर इन योर विजन फील्ड। आपका जो विजन फील्ड है उसके अंदर अगर टीनी स्पॉट दिखने लग जाए तो इन टीनी स्पॉट का नाम क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आया ना, आप मान के चलेगा आपका आईज का ये आपके आईज का ये विजन फील्ड है, अब इसमें छोटे छोटे स्पॉट दिखने लग जा रहे हैं, तो इन स्पॉट को कहते क्या है, वो नाम आपसे पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा फ्लोटर्स कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा फंडस कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा टेरिजियम कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा स्क्लेरा कहेंगे। इसको पटेरिजियम मत बोलिएगा, पीस आइलैंड है, टेरिजियम इश्यू बोलते हैं, ठीक है, याद रखेगा, और स्क्लेरा। चलिएगा जल्दी से आंसर आपको बताना है कि जो विजन फील्ड के अंदर टीनी स्पॉट देखने को मिलते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जनरली क्या कहते हैं, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लोटर्स कहते हैं। अगर विजन फील्ड के अंदर कोई भी स्पॉट देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो उनको फ्लोटर्स कहते हैं, याद रखेगा फ्लोटर्स कहा जाता है, भूलना नहीं है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुँच जाए और मेरा भी टारगेट पूरा हो सके। और सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे तो सेशन को जरूर से लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से सेशन मिले। और अगर आपने अभी तक मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर BPCCHN के रिगार्डेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है, टेस्ट सीरीज है, और आज उसका पांचवा टेस्ट है, फिफ्थ ब्लॉक का टेस्ट है, और अभी तक उसके चार टेस्ट हो चुके हैं, फिर उसके बाद सेकंड ब्लॉक के सेकंड पेपर के स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट पेपर एग्जाम बेस्ड पेपर वहां पर अवेलेबल होंगे। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जितना देरी आप करेंगे, जितना टाइम वेस्ट आप करेंगे, उतना ही आप नुकसान में जाएंगे, तो जल्दी कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, 125 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आई इन्फेक्शन। देखिएगा क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर ये पूछा है, कि नोट, देखेगा मैंने बोला है हर क्वेश्चन के अंदर नोट एक्सेप्ट, कहीं छिपा रहता है तो उसको ढूंढ लीजिएगा, अगर ढूंढ लिया तो आंसर सही हो जाएगा। देख क्वेश्चन यहां पर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आई इन्फेक्शन, कौन सा साइन एंड सिम्टम्स आई इन्फेक्शन का है। एक ऐसा ऑप्शन है जो कि
आई आई के इन्फेक्शन का साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। कौन सा नहीं है, गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर है वाटरिंग इन आईज, आईज के अंदर वाटरिंग होना। सेकंड ऑप्शन है सोलो स्वेलो आईज लीड, जो आई लीड है उनके अंदर स्वेलिंग आना। थर्ड ऑप्शन है रेडनेस ऑफ आईज, रेडनेस आई का रेडनेस होना। थर्ड ऑप्शन है बाइटोट स्पॉट, बाइटोट स्पॉट। जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। कौन सा इन्फेक्शन नहीं है, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाइटोट स्पॉट जनरली इन्फेक्शन के कारण से नहीं होता है, ये विटामिन के कारण से होता है। विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो बाइटोट स्पॉट देखने को मिल सकता है, बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है जनरली, ये इन्फेक्शन के कारण से नहीं होता है। बाकी वाटरिंग हो सकती है, आई आई स्वेलिंग हो सकती है, आई के अंदर यहाँ पर रेडनेस देखने को मिल सकती है, तो सभी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाइटोट स्पॉट है वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 126 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। देखिएगा यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर आया है नॉट, तो नॉट और एक्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में है आपको पता चल गया तो आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स के रिगार्डेड। यानी सभी ऑप्शन कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम नहीं है, तो जल्दी से बताइए क्या है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा ब्लर विजन, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर देगा टीयर्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर देखेगा रेडनेस ऑफ आइज, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर देगा कैन नॉट सी फार। जल्दी से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन कहीं पर आपको मिलने वाले नहीं है, कहीं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ऑलमोस्ट सारे आपके मॉड्यूल्स के अंदर से ढूंढ कर निकाल कर निकाले हैं, बिल्कुल निचोड़ हैं आपके मॉड्यूल्स का। इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे, अच्छी तरीके से पढ़े, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ब्लर विजन देखने को मिल सकता है, टीयरिंग देखने को मिल सकती है, रेडनेस ऑफ आई देखने को मिल सकती है, लेकिन कैन नॉट सी फार ऐसा कुछ नहीं होता है कि कंजक्टिवाइटिस में दूर का नहीं देख पाएगा। जिस पर्सन के अंदर कंजक्टिवाइटिस है ऐसा नहीं है कि वो दूर का नहीं देख पाएगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, देख भी सकता है नहीं भी देख सकता है वो। अगर उससे रिगार्डेड आई से रिगार्डेड कोई अदर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कंजक्टिवाइटिस के कारण से दूर का नहीं देख पाएगा, ये इसका सिम्टम्स अपन नहीं मान सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ऑल आर द ट्रू अबाउट द ट्रेकोमा, ट्रेकोमा के रिगार्डेड सभी सही है एक्सेप्ट एक ऑप्शन गलत है। चलिएगा, बताइएगा जो ट्रेकोमा है, ट्रेकोमेटिस जानते हो, ट्रेकोमा आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डेड WHO ने सेप स्ट्रेटेजी डाली है ना बिल्कुल से, तो जो ट्रेकोमा है उसके रिगार्डेड सभी ऑप्शन सही है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है एक्सेप्ट करके हमें बाहर निकालना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। चलेगा, पहला ऑप्शन देखेगा आई स्वेलिंग, आई के अंदर स्वेलिंग होगी। सेकेंड ऑप्शन देखेगा आई पेन, आई के अंदर पेन देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन देखेगा डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, आईज के अंदर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। उसके अलावा रेटिनल डीअटैचमेंट देखने को मिलेगा। जल्दी से आंसर बताएगा कौन सा सिम्टम्स या कौन सा ऑप्शन ट्रेकोमा के रिगार्डेड गलत है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ट्रेकोमा के रिगार्डेड नहीं है, क्योंकि ट्रेकोमा के अंदर
आई स्वेलिंग हो सकती है, आई के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, आई के अंदर पेन देखने को मिल सकता है, आई के अंदर डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए ऐसा नहीं होता है। रेटिना के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिटैचमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये गलत ऑप्शन है ट्रेकोमा के रिगार्डेड और हमें ऑप्शन निकालना था एक्सेप्ट करके, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफ़ी सीधा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए और आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है बार बार। चलेगा क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, कहता है इन मोस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की बात की जा रही है, व्हाट डैमेज द ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है उसका रीजन भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व देखेगा, मैंने कहा है जो ग्लूकोमा होता है इसके कारण से आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती हैं उसमें डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से आपके जो विजन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, विजन में दिक्कत आती है, आपको विजन डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो ग्लूकोमा का कारण पूछा है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होती हैं। ठीक है, हमने माना कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, लेकिन ऑप्टिक नर्व डैमेज क्यों होती हैं उसका कारण आपसे यहां पर पूछा है। चलिए जल्दी से आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, आई स्ट्रेन फ्रॉम रीडिंग इन डार्क रूम, आई स्ट्रेन फ्रॉम रीडिंग इन डार्क रूम। सेकेंड ऑप्शन है टू मच प्रेशर ऑन द ऑप्टिक नर्व, सॉरी थर्ड ऑप्शन है यहां पर टू लिटिल प्रेशर ऑन द ऑप्टिक नर्व, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट बियरिंग प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। चलेगा जल्दी से आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। ग्लूकोमा के रिगार्डेड और ग्लूकोमा में साफ कह दिया है व्हाट डैमेज द नर्व डैमेज कैसे हुई है उसका कारण बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आईओपी होता है, आईज के अंदर जो आईओपी बोले तो क्या कहते हैं, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, और इंट्रा ओकुलर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंट्रा ओकुलर प्रेशर हो जाता है, यानी टू मच प्रेशर यानी बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उसके कारण से आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, और ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण से आपका विजन अल्टर हो जाता है, आपके विजन में दिक्कत आ जाती है, आपका विजन अफेक्ट हो जाता है। तो ग्लूकोमा जनरली अपन डेफिनेशन की बात करें तो ग्लूकोमा के अंदर जो आपका आईओपी है, आपकी आईज के अंदर जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है, आपकी आईज के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण से आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण से आपका विजन अफेक्ट हो जाता है, आपका जो विजन है, जनरली जो विजन होता है वो अफेक्ट हो जाता है, आपको देखने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो जनरली इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, टू मच प्रेशर ऑन दी ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो डैमेज हो जाती है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर इनसाइड द योर आई इज हायर देन नॉर्मल। देखिएगा क्वेश्चन समझ में आ गया, और लास्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर यह है, अगर आपकी आईज के अंदर अगर प्रेशर क्या हो जाता है, हायर देन हो जाता है, नॉर्मल से हायर हो जाता है, ज्यादा प्रेशर हो जाता है आपकी आईज के अंदर, तो क्या हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है मे हैव ग्लूकोमा, सेकंड ऑप्शन है मे बी एट रिस्क फॉर ग्लूकोमा, थर्ड ऑप्शन है नीड आई ग्लासेज, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा
देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि यहां पर देखिएगा इनसाइड आइज के अंदर अगर प्रेशर हायर देन हो जाता है, नॉर्मल से हायर देन हो जाता है, तो यहां पर देखिएगा ग्लूकोमा उसको हो भी सकता है, यानी मे हैव ग्लूकोमा, उसको पहले से ग्लूकोमा है, या फिर मे बी एट रिस्क फॉर ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होने का रिस्क उसके पास है। और जनरली इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एग्जैक्ट अगर राइट आंसर अपन देखें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है, क्योंकि ग्लूकोमा हो गया तभी तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा देखने को मिला है, ग्लूकोमा हो गया तभी तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा देखने को मिला है, ग्लूकोमा होने से सॉरी रिस्क प्रेशर बढ़ने से रिस्क बढ़ता है, ये भी प्रेशर, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर प्रायोरिटी अपन सेट करें, प्रायोरिटी की अगर बात करें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होना चाहिए कि उसके अंदर ग्लूकोमा हो गया है ना, या उसको ग्लूकोमा है। लेकिन अगर अपन बेसिकली बात करें, जनरली अगर बात करें क्वेश्चन का आंसर देने की, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही इसके ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ग्लूकोमा उसको पहले से है या उसको ग्लूकोमा होने का रिस्क है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है। अगर प्रायोरिटी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन अपन मान सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 130 नंबर, 130 नंबर क्वेश्चन, और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। चलेगा, 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का सिम्टम्स हैं, कौन सा सिम्टम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का सिम्टम्स माना जाता है, जल्दी से आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है पेन, सेकेंड ऑप्शन यहां पर है रेड आइज, थर्ड ऑप्शन यहां पर है ब्लर विजन, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव, जल्दी से आपको आंसर देना है, आंसर को करेक्टली चूज करना है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है सभी तुक्के में मार दिया, तुक्का नहीं मारना है, आप समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि मैं हर सेशन के अंदर आपसे कहता हूं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, एलिमिनेशन मेथड आप लगाए, आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं लग रहा है आपसे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए, अच्छे से पढ़िए, आपको आराम से बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ओपन क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर पेन भी देखने को मिल सकता है, आइज रेडनेस हो सकती है, और ब्लर विजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लूकोमा हुआ क्यों, क्योंकि आईओपी बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर आईओपी बढ़ गया, आईओपी बढ़ गया तो उसकी ऑप्टिक जो नर्व है वो डैमेज हो गई, ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से उसके अंदर पेन देखने को मिल सकता है, उसके अंदर रेड आइज देखने को मिल सकती है, उसके अंदर ब्लर विजन देखने को मिल सकता है। चलेगा, उम्मीद है यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा, और जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा, क्योंकि इतनी उम्मीद करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर है, एपिस्टैक्सिस इज, एपिस्टैक्सिस क्या होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया, एपिस्टैक्सिस का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन यहां पर है ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द ईयर, ईयर के इनसाइड पार्ट से या इनसाइड ईयर से ब्लीडिंग होना। सेकेंड ऑप्शन है ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द माउथ, माउथ से ब्लीडिंग होना। थर्ड ऑप्शन है ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज, नोज से ब्लीडिंग होना। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ब्लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड द नोज, आउटसाइड द नोज, नोज के बाहर से ब्लीडिंग होना। जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जनरली आप सबको पता है एपिस्टैक्सिस को क्या बोलते हैं, नोज ब्लीडिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपकी नोज के थ्रू, आपके नोज से क्या होना, ब्लड निकलना, ब्लड निकलना, ब्लीडिंग होना, दैट नोन एज नोज ब्लीडिंग। और एपिस्टैक्सिस को जनरली नोज ब्लीडिंग अपन कहते हैं, और ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड दी नोज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिस्टैक्सिस इज नॉट इंक्लूड। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो एपिस्टैक्सिस किया जाता है, एपिस्टैक्सिस होता है, एपिस्टैक्सिस मतलब कि बताया नोज ब्लीडिंग, नोज से ब्लड का आना, तो इसके अंदर अपन इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहां पर नोट दिया हुआ है और नोट मतलब एक्सेप्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है सीबीसी, कंप्लीट सीबीसी करवाएंगे। सेकंड ऑप्शन है ब्लड टाइमिंग चेक करवाएंगे। थर्ड ऑप्शन है क्लोटिंग टाइमिंग चेक करवाएंगे। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ टोनोग्राफी करवाएंगे। कौन सा ऑप्शन नहीं करवाएंगे, कौन सा गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर आपको देना है। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलेगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये एपिस्टेक्सिस के रिगार्डेड इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर सीबीसी करवा सकते हैं, ब्लड टाइमिंग चेक करवा सकते हैं, क्लोटिंग टाइमिंग चेक करवा सकते हैं, लेकिन टोनोग्राफी नहीं करवाया जाता है। बिल्कुल गलत ऑप्शन है और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 133 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है समझते, देखिएगा। ऑल आर ट्रू अबाउट द ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मतलब कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन इन दी मिडिल ईयर, आपके मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इसके रिगार्डेड सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक्सेप्ट एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है। एक ऑप्शन को गलत बताना है, वो गलत ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या गलत आंसर है। चलेगा, ओटाइटिस मीडिया के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, एक को छोड़कर सभी सही हैं, तो कौन सा गलत है। चलेगा, पहला ऑप्शन है ईयर एक ईयर पेन देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज हियरिंग, हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है टीनिटस, टीनिटस हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है हेडेक। चलेगा, बताइएगा क्या गलत ऑप्शन यहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन ओटाइटिस मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, ओटाइटिस मीडिया के रिगार्डेड नहीं आता है, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या करेक्ट इसका आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये इसके रिगार्डेड नहीं आता है। ओटाइटिस मीडिया की अगर बात करें तो ईयर पेन हो सकता है, हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, टिनिटस यानी रिंगिंग साउंड सुनाई दे सकते हैं, लेकिन हेडेक जनरली नहीं होता है, हेडेक जनरली नहीं होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपना आंसर देखें तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हेडेक बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी कनेक्टेड हैं अभी चैनल पर, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बार बार विजिट करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से सेशन कंटिन्यूअसली उनको मिलते रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 134 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, फोर अ क्लाइंट डायग्नोसिस विद द एपिस्टेक्सिस, विच इंटरवेंशन वुड बी इंक्लूड इन द केयर प्लान। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक पेशेंट है आपके पास, जिसके अंदर डायग्नोस कर दिया गया है कि पेशेंट कैसा है, पेशेंट किसका है, क्या डायग्नोसिस उसके अंदर हुआ है, कि उसके अंदर एपिस्टेक्सिस हुआ है। क्या हुआ है, एपिस्टेक्सिस हुआ है। एपिस्टेक्सिस मतलब जानते हो ना, नोज ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो नोज ब्लीडिंग उसको हुआ है, तो कौन सा इंटरवेंशन आप काम में लेंगे, उसके केयर प्लान के अंदर कौन सा इंटरवेंशन आप लगाएंगे। चलेगा, पहला ऑप्शन देखेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है परफॉर्म सेवरल एब्डोमिनल थ्रस्ट। सेकेंड ऑप्शन है कंप्रेस द नियर टू द सेप्टम फॉर 5 to 10 मिनट। थर्ड ऑप्शन है अप्लाई द आइस कोलर टू द नेक एरिया। फोर्थ ऑप्शन है इनकरेजिंग वार्म सलाइन थ्रू द गार्गल, सॉरी थ्रोट गार्गल, थ्रोट गार्गल। चलिएगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एपिस्टेक्सिस का कोई पेशेंट आपके पास आया है, डायग्नोस हो चुका है कि एपिस्टेक्सिस है, तो आप कौन सा इंटरवेंशन उसके केयर प्लान के अंदर सबमिट करेंगे, या कौन सा इंटरवेंशन आप करेंगे, जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा सा आपको अपना काम करना है, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप एज अपनी सीट पर बैठे हुए, आपके पास एपिस्टेक्सिस का कोई पेशेंट आया है, आपने डायग्नोज कर लिया कि एपिस्टेक्सिस हुआ है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, क्या इंटरवेंशन आप लगाएंगे, फॉलोइंग ऑप्शन में से आपका इंटरवेंशन क्या होगा। चलेगा, चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर अगर अपन देखें, बिल्कुल राइट आंसर अगर अपन देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, एपिस्टेक्सिस का पेशेंट है आपके पास आता है, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि आपको उसकी जो नेजल सेप्टम है उसको कंप्रेस कर लेना है, क्या कर लेना है, दबा के रखना है लगभग 5 से 10 मिनट तक, ताकि जो नोज ब्लीडिंग हो रही है, जो एपिस्टेक्सिस हो रहा है वो रुक जाए। सबसे पहला एक्शन यही होगा, ना कि आप उसका एब्डोमिनल थ्रस्ट करोगे, ये भी गलत ऑप्शन है, ना कि आप उसके अंदर आइस पैक काम में लोगे नेक एरिया में, ये भी गलत है, ना कि आप उसको वार्म सलाइन दोगे गार्गल के लिए, ये भी गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है, आप उसकी नोज सेप्टम को क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसकी जो नेरिस है, उसकी जो नेरिस है, नाक है, नोज है, उसके सेप्टम को थोड़ा सा कंप्रेस करके रखेंगे, ताकि जो ब्लड है वो
ब्लीड ना हो, हेमरेज के तरीके से बाहर ना निकले और वहाँ से वो क्लोट बन जाए और आपका जो एपिस्टेक्सिस है वो सही हो जाए, वो रुक जाए, आपका ब्लीडिंग होना बंद हो जाए, चलेगा? उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द फीवर, फीवर को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? फीवर के अंदर फीवर का मैनेजमेंट करने के लिए या फीवर का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी ड्रग आप जनरली काम में लेते हैं, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछी है। चलिए जल्दी से आपको आंसर देना है क्या करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर एपिनेफ्रिन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है टिनिडाजोल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है टिंचर बेंजोइट, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है एसिटामिनोफेन। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है क्या करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा टाइमिंग इस क्वेश्चन के लिए नहीं दूंगा क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है और आप सबको याद है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर, बिल्कुल राइट आंसर है एसिटामिनोफेन, जिसको ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है फीवर के रिगार्डेड। उम्मीद है सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलेगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 136 नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन व्हेन डॉग बाइटिंग, कोई डॉग बाइटिंग पेशेंट आपके पास आया है। एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बैठे हो, अपने सेंटर पर आप बैठे हो, आपके पास कोई अर्जेंटली कोई पेशेंट आया है जिसको डॉग बाइट किया है। अब डॉग बाइट किया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे पेशेंट के साथ, आप क्या करेंगे? क्या सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक देंगे? पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक देंगे, सेकेंड ऑप्शन है यूज हाइड्रोजन परोक्साइड एट द साइट ऑफ डॉग बाइट, जहां पर कुत्ते ने काटा है, डॉग ने बाइट किया वहां पर हाइड्रोजन परोक्साइड का यूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपके पास वॉश उंड विद सोप इन रनिंग वाटर, आप रनिंग वाटर के साथ साबुन के साथ उसको मतलब धोएंगे, वॉश करेंगे वुंड को। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है यूज चिली पाउडर ऑन उंड, उंड के ऊपर चिली पाउडर यानी मिर्ची पाउडर लगाएंगे। चलेगा जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या करेक्ट आंसर होगा, क्या करेक्ट एक्शन आप लोगे उस टाइमिंग में। चलिएगा देखिएगा, अगर डॉग बाइट है तो जनरली आपको याद रखना है सबसे पहला एक्शन होगा आपका कि आप जो उंड हुआ है उसको सोप और पानी के साथ क्या करेंगे, वॉश करेंगे। जो उंड हुआ है उसको सोप एंड वाटर के साथ क्या करेंगे, साबुन और पानी के साथ क्या करेंगे, धोएंगे। सबसे पहला एक्शन यही होगा और बस एक एक्शन आपको नहीं करना है कि आपको जो उंड हुआ है उसको स्टिच नहीं करना है, उसको कॉटराइजेशन नहीं करना है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये लगातार 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो डॉग बाइट है, डॉग बाइट जनरली रेबीज की बात करते तो डॉग बाइट हुआ है, अब डॉग बाइट में उंड को क्या नहीं करना चाहिए, डॉग बाइट की कंडीशन में क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आप उसको धोना चाहिए, आप उसको इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, उसको एंटी रेबीज वैक्सीन देना चाहिए, उसको हीमोग्लोबिन देना चाहिए, ये देना चाहिए, लेकिन एक ऑप्शन मिलता है उसको सूचरिंग करना या कोटराइजेशन करना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सूचरिंग बिल्कुल नहीं करते, कोटराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करते, याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आई थिंक इससे रिगार्डेड हम बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और इससे रिगार्डेड मैं प्रीवियसली क्लासेज के अंदर भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन सिम्टम ऑफ शोक इंक्लूड, शोक के रिगार्डेड कौन सा साइन सिम्टम है। क्वेश्चन समझ में आ गया, शोक जानते हो आप, बिल्कुल शोक वही है। अगर किसी पेशेंट को शोक हुआ, इमरजेंसी कंडीशन चल रही है और इमरजेंसी की बातें और इमरजेंसी का सिलेबस आपका आ गया है, यानी इमरजेंसी वाली यूनिट आपकी आ गई है, ठीक है, यानी कोई पेशेंट है और किसी पेशेंट को शोक हुआ है आपके पास है, तो आप उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर देखेंगे। पहला कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, सेकेंड ऑप्शन रैपिड एंड फिलेबल पल्स, थर्ड ऑप्शन है सेलो ब्रीथिंग और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर दीजिएगा, शोक के अंदर कौन सा साइन एंड सिम्टम आएगा। जल्दी से आंसर देना है। 137 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। फोर्थ नंबर बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि उसकी स्किन काम और क्लेमी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, रैपिड पल्स उसको देखने को मिलेगी और उसकी ब्रीथिंग भी स्लो हो जाएगी, तो इसके अंदर सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फैंट, फैंट क्या है।
जल्दी से अपना आंसर देना है, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, 138 क्वेश्चन है, 138 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ फेंट, फेंट क्या होता है, फेंट मतलब जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो तो याद रखिएगा क्या होता है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा अ रेस्पॉन्स ऑफ अ फियर, अ रेस्पॉन्स टू द फियर, फियर्स का रेस्पॉन्स है। सेकेंड ऑप्शन है एन अनएक्सपेक्टेड कोलेप्स, कोलेप्स होना, अनएक्सपेक्टेड कोलेप्स होना। सेकंड थर्ड ऑप्शन है अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रीफ यानी कुछ टाइमिंग के लिए कॉन्शियसनेस होना, अनकॉन्शियस हो जाना, मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियस हो जाना। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है अ साइन ऑफ फ्लू, ये फ्लू का साइन है। जल्दी से अपना आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर, 138 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। फेंट मतलब होता है कुछ टाइमिंग के लिए, कुछ टाइमिंग के लिए कोई भी पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कुछ टाइमिंग के लिए बेहोशी कह सकते हैं, यानी थोड़े से टाइमिंग के लिए बेहोशी होती है, उसी को फेंट कहते हैं। और इसी को जनरली सिंकोप के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, सिंकोप के नाम से भी जाना जाता है। तो फेंट को ही क्या बोलते हैं, सिंकोप कहते हैं। और इसके अंदर कुछ टाइमिंग के लिए बस क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, इसी कंडीशन को कहते हैं फेंट। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, देखेगा समझते हैं। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस, देखेगा अगर ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसके कारण से कोई पर्सन है उसका सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, काफी ज्यादा ब्लड लॉस उसके अंदर देखने को मिला है, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, कौन सी कंडीशन उसके अंदर डेवलप होगी कि उसका ब्लड लॉस हुआ है काफी ज्यादा अमाउंट में, तो सीवियर ब्लड लॉस देखने को मिला है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा शोक हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन देखेगा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, थर्ड ऑप्शन देखेगा एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन देखेगा हाइपोथर्मिया हो सकता है। चलेगा, क्या कंडीशन उसके अंदर जनरेट हो सकती है, अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी सारे बाकी है। चलेगा, ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं शोक। देखिएगा, किसी पर्सन को अगर सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो उसके अंदर जनरली हाइपोवोलेमिक शोक देखने को मिल सकता है, कौन सा हाइपोवोलेमिक शोक देखने को मिल सकता है, कौन सा शोक हाइपोवोलेमिक शोक देखने को मिल सकता है, तो ऐसी कंडीशन में शोक देखने को मिल सकता है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, एनाफाइलेसिस नहीं, हाइपोथर्मिया नहीं। अगर प्रायोरिटी बेसिस अपन देखें तो सबसे पहले उसके अंदर शोक होगा, क्योंकि सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूड लॉस हो गया है बॉडी से, तो हाइपोवोलेमिया, आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूड लॉस है उसके कारण से हाइपोवोलेमिया हो जाएगा और हाइपोवोलेमिक शोक जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140 नंबर क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके समझ के ऊपर है और आप सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेगा, 140 नंबर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इन इज ब्रीथिंग नॉर्मली। देखा क्वेश्चन यहां पर ये समझ में आएगा, देखा लैंग्वेज पर मजा आएगा, थोड़ा क्वेश्चन समझ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है, मान के चलेगा आप अपने सेंटर पर हैं, अपने सेंटर पर एज अ ड्यूटी टाइमिंग आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया है, किसी पेशेंट को लेकर आए हैं उनके रिलेटिव्स, और वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट आपके पास कैजुअलिटी में आया है, इमरजेंसी में आया है, अब आप उसके अंदर ब्रीथिंग चेकआउट करेंगे, ब्रीथिंग चेकआउट करेंगे, कितने टाइम तक ब्रीथ चेक करेंगे, क्या पूरा एक मिनट चेक करेंगे, जनरली आप सबको पता है पूरा एक मिनट, फुल मिनट हम वाइटल साइन लेते हैं, फुल वन मिनट हम वाइटल साइन लेते हैं, लेकिन पेशेंट यहां पर इमरजेंसी कंडीशन में आया और पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो क्या उसके साथ टाइम वेस्ट करेंगे आप, तो कितना टाइम नॉर्मली आप उसके ब्रीथिंग को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है, पहला ऑप्शन है नो मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करेंगे, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा आप 10 सेकेंड करेंगे। थर्ड ऑप्शन है एग्जैक्टली 10 सेकंड, 10 सेकंड तक करेंगे, एग्जैक्टली पूरा 10 सेकंड करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है
एटलीस्ट 10 सेकंड, एटलीस्ट 10 सेकंड आप करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन सभी तो सही हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन सही होगा। चलेगा जल्दी से आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने समय तक आप उस पर्सन के अंदर ब्रीथिंग चेकआउट करेंगे, ब्रीथिंग को असिस्ट करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, एटलीस्ट 10 सेकंड, कम से कम आप मान के चलेगा 10 सेकंड तक उसके अंदर, कम से कम 10 सेकंड उसके अंदर क्या करेंगे, ब्रीथिंग चेकआउट करेंगे। 10 सेकंड के बाद आप उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं 1 मिनट तक, तो कम से कम एटलीस्ट 10 सेकंड, एटलीस्ट 10 सेकंड आपको क्या करना है, ब्रीथिंग चेकआउट करना होगा। ठीक है, क्या चेक करना होगा, ब्रीथिंग चेकआउट करना होगा। कब तक, एटलीस्ट 10 सेकंड, एटलीस्ट 10 सेकंड आपको करना होगा। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखेगा क्वेश्चन क्या है। देखिएगा क्वेश्चन है, हाउ शुड यू कैन ओपन एयरवे, आप किसी पेशेंट का एयरवे कैसे ओपन करेंगे, ऑफ एन अनकॉन्सियस पेशेंट इन कैजुअल्टी। कैजुअल्टी, आप इमरजेंसी कंडीशन में बैठे हैं, यानी कि आप अपने सेंटर पर बैठे हो, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आपके पास आया है, और पेशेंट के आते ही पेशेंट को आपने देखा कि पेशेंट अनकॉन्सियस है। अब पेशेंट अनकॉन्सियस है तो आप उसका एयरवे कैसे ओपन करेंगे, कौन सा मेथड आप लगाएंगे। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, हेड टिल्ड एंड चिन मेथड, एड हेड टिल्ड लिफ्ट हेड सॉरी हेड टिल्ड एंड चिन लिफ्ट मेथड। उसके बाद जो थ्रस्ट मैन्यूवर, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है हेड टिल्ड एंड जो थ्रस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है लिफ्ट द चिन। चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या करेक्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उसका एयरवे आप किस मेथड से ओपन करेंगे, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप वहां पर हेड टिल्ट एंड चिन मेथड काम में लेंगे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड काम में लेंगे। कौन सा, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड आप वहां पर काम में लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप यहां पर कौन सा काम में लेंगे, हेड टिल्ट एंड चिन मेथड आप काम में लेंगे। लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन ये होता कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, लेकिन ट्रोमा का पेशेंट है, कौन सा पेशेंट है, ट्रोमा पेशेंट है, ट्रोमा पेशेंट है, तो ट्रोमा पेशेंट के रिगार्डेड आप कौन सा मैन्यूवर काम में लेते हैं, जो थ्रस्ट मैन्यूवर काम में लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर डायरेक्टली अनकॉन्शियस की बात करें तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड काम में लेंगे, लेकिन ट्रोमा की बात करें तो फिर जो थ्रस्ट मैन्यूवर काम में लेंगे। चलिए देखते हैं इनका इमेज देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कैसा होता है जो थ्रस्ट मैन्यूवर और चिन लिफ्ट मेथड। देखिएगा पहला जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, पहला जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे उसके अंदर आपको इजीली विजुअलाइज हो रहा होगा। देखिएगा यहां पर ये अनकॉन्शियस पेशेंट है और ये आप एज अ एग्जामिनर आप हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये जो हैंड से देखिएगा, यहां पर हैंड से क्या किया जा रहा है, हैंड से क्या किया जा रहा है, चिन्ह को लिफ्ट किया जा रहा है, चिन्ह को लिफ्ट किया जा रहा है और हेड को टिल्ट किया जा रहा है। देखिएगा हेड टिल्ट एंड चिन्ह लिफ्ट मेथड क्या हो गया, हेड टिल्ट एंड चिन्ह लिफ्ट मेथड। देखा हेड को तो टिल्ट किया जा रहा है, चिन्ह को लिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसको हेड टिल्ट एंड चिन्ह मेथड आप कहेंगे, हेड टिल्ट एंड चिन्ह लिफ्ट मेथड आप कहेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा है कि अगर पेशेंट कैसा है, ट्रोमा का पेशेंट है, अगर पेशेंट ट्रोमा का है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप जो थ्रस्ट मैन्यूवर काम में लेंगे। जो थ्रस्ट मैन्यूवर कैसे काम में लेंगे कि पेशेंट देखिएगा, पेशेंट इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, आप इस तरीके से पीछे की साइड पर खड़े होंगे और इस तरीके से अपने हाथों से उसके माउथ को, उसके हेड को इस तरीके से प्रेस करेंगे और इस तरीके से जो थ्रस्ट जो को ऊपर करेंगे और इस थंब से देखेगा आप इस जो को इस तरीके से कर रहे हैं, तो देखिएगा इस तरीके से अगर मैन्यूवर होता है दैट इज जो थ्रस्ट मैन्यूवर होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हैं तो आप वहां पर काम में लेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, और अगर ट्रोमा पेशेंट है तो आप वहां पर काम में लेंगे जो थ्रस्ट मैन्यूवर।
आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी के साथ अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके मिशन एजुकेशन ऐप पर जो BPCCSN के रिगार्डेड टेस्ट सीरीज चलाई हुई है वो ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लॉक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, फिर फुल पेपर टेस्ट चलेंगे, फिर एग्जाम बेस्ड पेपर यहाँ पर चलेंगे, यानी यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट आपको रहने वाला है। और आज इसका पांचवा टेस्ट है, अभी तक चार टेस्ट इसके वो कंप्लीट हो चुके हैं और डेली टेस्ट देखने को मिल रहा है। डेली टेस्ट यहाँ पर दे सकता है और डेली अपना एवोल्यूशन कर सकता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन है, 142 नंबर क्वेश्चन है, और 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीट द इलेक्ट्रिक बर्न। देखिए कोई पेशेंट है जो कि इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है, और इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है तो उस टाइमिंग में अभी पेशेंट कहाँ है ये नहीं बताया गया। एक पेशेंट आपके पास आ गया है, पेशेंट अभी वहीं कंडीशन पर ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्न हो रखा है, इलेक्ट्रिक बर्न हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में पहला एक्शन आपका क्या होगा, पहला एक्शन आपका क्या होगा। चलिएगा पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। फर्स्ट एक्शन आपसे पूछा है, फर्स्ट एक्शन आपका क्या होगा। पहला ऑप्शन यहां पर है देखिएगा, एंश्योर दैट द कैजुअल्टी इज स्टिल ब्रीथिंग। सेकेंड ऑप्शन देखेगा, वॉश द बर्न विद कोल्ड वाटर। थर्ड ऑप्शन देखेगा, चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट द कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। फोर्थ ऑप्शन देखेगा, चेक फॉर लेवल ऑफ रेस्पॉन्स। चलेगा चलेगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलेगा मैं एक बार समझा देता हूं सभी ऑप्शन को। पहला ऑप्शन यहां पर ये कहता है, एंश्योर दैट द कैजुअल्टी स्टिल इन ब्रीथिंग, यानी कैजुअल्टी में पेशेंट है और कैजुअल्टी में पेशेंट आया और उसकी ब्रीथिंग आप चेक स्टिल है वो आप देख लेते हैं, एंश्योर कर लेते हैं। उसके बाद वॉश द बर्न विद कोल्ड वाटर, और उस बर्न को वॉश करेंगे अपन कोल्ड वाटर से। थर्ड ऑप्शन है, चेक द डेंजर एंड एंश्योर द कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। ये चेक करेंगे कि कोई डेंजर तो पेशेंट को नहीं है ना, और पेशेंट का कांटेक्ट अभी तक इलेक्ट्रिकल सोर्स से तो नहीं है ना, अगर वो है तो फिर उसको ब्रोकन करेंगे, उसको हटाएंगे, ब्रोकन करेंगे, चेकआउट करके उसको ब्रोकन करेंगे। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, चेक फॉर लेवल ऑफ रेस्पॉन्स, क्या उसका लेवल ऑफ रेस्पॉन्स आप चेक करेंगे। चलेगा कौन सा आपका फर्स्ट एक्शन होगा, कौन सा आपका फर्स्ट एक्शन होगा। हालांकि सभी ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन फर्स्ट एक्शन आपको लगाना है। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा जल्दी से आपको कमेंट करना है, फिर आपको सही आंसर पता चल जाएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, चेक द डेंजर एंड इंश्योर द कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। यहां पर देखिएगा, यहां पर सबसे पहले आप जो डेंजरस उसका डेंजर, अगर कोई डेंजर है तो उसको इंश्योर करेंगे कि अभी तक अगर पेशेंट का अगर अभी तक इलेक्ट्रिकल सोर्स से कॉन्टेक्ट है तो उसको हटाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी, उससे ज्यादा आपको क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, और उसके साथ आपको भी खतरा हो सकता है, आपको भी डेंजर हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम होगा जो सोर्स है उससे हटाएंगे, जहां इलेक्ट्रिकल सिटी है, जहां इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है, उस सोर्स से अगर कॉन्टेक्ट है पेशेंट का तो हटाएंगे उससे, ये फर्स्ट एक्शन आपका होगा, बाकी सभी एक्शन बाद में लिए जाते हैं। चलेगा उम्मीद है यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 143 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, 143 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फेंटिंग इज नॉट इंक्लूड। देखिएगा फेंटिंग हुआ है, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद पहले बताया था मैंने फेंटिंग क्या होता है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ फेंटिंग के अंदर नहीं है। यहाँ ऑप्शन ये पूछा है, साइन एंड सिम्टम ऑफ फेंटिंग, फेंटिंग के सभी ऑप्शन है लेकिन नॉट इंक्लूड, एक ऐसा ऑप्शन है जो फेंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, बाकी सभी किए जाते हैं। फेंटिंग के अंदर सभी ऑप्शन इंक्लूड किए जाते हैं, एक को नहीं किया जाता है। चलिए कौन सा नहीं किया जाता, पहला ऑप्शन है अनकॉन्शियसनेस, सेकंड ऑप्शन है इररेगुलर हार्ट डिजीज, थर्ड ऑप्शन है नोजिया, डिजीनेस और लाइट डार्कनेस, फोर्थ ऑप्शन है पाल्पिटेशन। चलेगा कौन सा ऑप्शन फेंटिंग के अंदर नहीं माना जाता है, जल्दी कीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए फेंटिंग के रिगार्डेड अगर अपन देखें तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, गलत आंसर नहीं है, ठीक है, गलत
ऑप्शन है और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फेंटिंग के रिगार्डिंग फेंटिंग के साइन सिम्टम के अंदर पाल्पिटेशन देखने को नहीं मिलता है, फेंटिंग के साइन सिम्टम के रिगार्डेड पाल्पिटेशन देखने को नहीं मिलता है, बाकी ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाल्पिटेशन, क्योंकि यहाँ पर गलत ढूंढना था, नोट ढूंढना था, और जहाँ पर नोट और एक्सेप्ट आपने पता कर लिया है कि ये पूछा है तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी तक पहुंचता रहे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज द शोक, डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज द शोक इफ यू सस्पेक्ट दे हैव, देखा क्वेश्चन यहां पर यह है, क्वेश्चन यहां पर यह है, डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज सस्पेक्टेड शोक इफ यू सस्पेक्टेड दे हैव, क्वेश्चन सिंपल सा ये है, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन ये कहता है, देखिए यहां पर नोट मिल गया आपको, मतलब कि क्वेश्चन ये है कि कोई शोक का पेशेंट है, तो शोक के पेशेंट के अंदर आपने क्या देखा कि कंसिडर किया कि शोक पेशेंट है, क्या देखा कि वो शोक पेशेंट है, तो एक तरीके से उसके क्लिनिकल फीचर यहां पर है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि शोक के अंदर जनरली नहीं देखा जाता है, वो गलत हटाना है। चलेगा पहला ऑप्शन देखेगा काम कोल्ड स्किन, सेकंड ऑप्शन देखेगा रैपिड ब्रीथिंग रेट, थर्ड ऑप्शन देखेगा रैपिड पल्स, फोर्थ ऑप्शन देखेगा स्पाइनल इंजुरी। जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है काफी सारे, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी है, इसका मींस ये नहीं है कि वो शोक की कंडीशन है, स्पाइनल इंजरी शोक के कंडीशन के अंदर नहीं आती है, क्योंकि अगर कोल्ड स्किन हो रखी है तो सोच सकते हैं कि शोक हुआ है, रैपिड ब्रीथिंग हो रही है, रैपिड पल्स हो रही है, अगर तीनों हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि शोक का पेशेंट हो सकता है, लेकिन अगर स्पाइनल इंजरी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी है कि शोक है, तो ये गलत ऑप्शन यहाँ पर है और आपका राइट आंसर भी यही है, तो स्पाइनल इंजरी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चन समझे हैं, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गए हैं, सबको समझ में आ गए हैं, तो इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के सेशन उनको मिलता रहे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 145 नंबर क्वेश्चन, 145 नंबर क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट, 145 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए समझिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन यह कहता है 145 नंबर पे, इन विच द फॉलोइंग इंजरी टू द बोन इन एक्चुअली ब्रोकन इन स्मॉल क्रैक और माइनर फॉर्म, देखिएगा इसमें ऐसी कंडीशन है कि कौन सी ऐसी इंजरी होती है जिसके अंदर बोन में एक्चुअली ब्रोक हो चुके हैं, बोन एक्चुअली ब्रेक हो चुकी है, लेकिन ब्रेक कितना हुआ है, बिल्कुल स्मॉल हुआ है, बिल्कुल स्मॉल क्रैक उसके अंदर आया है, बिल्कुल माइनर फॉर्म में उसके अंदर क्या आया है, इंजरी हुई है। तो बताइए कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन में ऐसा होगा, कौन सी इंजरी के अंदर ऐसा होगा, पहला ऑप्शन है सिंपल फ्रैक्चर, सेकंड ऑप्शन है हेयर लाइन फ्रैक्चर, थर्ड ऑप्शन है कंट्यूजन, फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल फ्रैक्चर। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर में यहां पर ऑप्शन डाल देता हूं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इंजरी हुई है बोन के अंदर, लेकिन एक्चुअली तो इंजरी हुई है लेकिन काफी स्मॉल और माइनर फॉर्म में इंजरी हुई है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलेगा चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा हेयर लाइन फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन काफी कम स्मॉल टाइप में, जैसे कि ये बोन है आपकी और फ्रैक्चर हुआ है यहां पर, लेकिन बिल्कुल छोटा सा यहां पर बिल्कुल हेयर लाइक बना हुआ है, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बनी हुई है, बिल्कुल माइनर सा फ्रैक्चर यहां पर हुआ है, ऐसा हेयर लाइक फ्रैक्चर बना है, छोटा सा फ्रैक्चर यहां पर बना है, तो ऐसी कंडीशन को हेयर लाइक फ्रैक्चर अपन कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेगा भूलना नहीं।
नहीं है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, क्योंकि माइनर और स्मॉल क्रेक यहां पर हुआ है बोन के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने अगर अभी तक मॉड्यूल्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि आप मॉड्यूल्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, भले कैसे भी पढ़े, चाहे आपको समझ आए नहीं आए, चाहे आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार उन पर नजरें जरूर घुमाएं, क्योंकि उनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये मान के चलिए आपके मॉड्यूल्स का ही निचोड़ है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार मॉड्यूल्स को जरूर से विजिट करें। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आती होगी, और मेरी बातें समझ में आती तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको काफी कुछ बेनिफिट होने वाला है। चलेगा, और जिसने ज्वाइन कर लिया है और वो एक्टिवली सही तरीके से अगर बेनिफिट लेना चाहता है, और वो चाहता है कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हूं, तो 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर उसने टेस्ट सीरीज बढ़िया ईमानदारी से ली है, बढ़िया ईमानदारी से कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ रहा है और उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से याद कर रहा है, समझ रहा है, तो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% श्योरिटी के साथ वो क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ दीज पॉपुलेशन ग्रुप हैज द हाई रिस्क ऑफ बर्न। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर यह है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि कौन सी एज ग्रुप के अंदर बर्न कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, यानी हाई रिस्क माना जाता है बर्न को, कौन सी एज के अंदर, कौन सी एज ग्रुप के अंदर हाई रिस्क माना जाता है कि बर्न को, कि इस एज ग्रुप में बर्न जो है ज्यादा देखने को मिलता है। चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, पहला ऑप्शन है 62-65 ईयर्स ओल्ड, सेकेंड ऑप्शन है 80-35 ईयर्स ओल्ड, थर्ड ऑप्शन है 24 मंथ और एंगर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन का आंसर करके, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी सारे अपने बाकी हैं। चलेगा, चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 24 मंथ और यंगर, यानी कि बच्चों, चिल्ड्रन की बात यहाँ पर हो रही है, चिल्ड्रन की बात यहाँ पर हो रही है, तो चिल्ड्रन के अंदर बर्न की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, चिल्ड्रन बर्न के लिए हाई रिस्क माने जाते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो हाई रिस्क माने जाते हैं बर्न के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अपनी मस्ती में मस्त, तो इसमें हाई रिस्क माना जाता है बर्न की कंडीशन को। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 24 मंथ और एंगर। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 147 क्वेश्चन यहां पर है, 147 क्वेश्चन नंबर यहां पर है, और क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, विच ऑफ दीज फैक्टर इज ट्रू अबाउट द बर्न, बर्न के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है, बर्न के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बर्न के रिगार्डेड सही है, वो ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही है, जल्दी से आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट एंड कवर विद द वैसलीन गोज, सेकंड ऑप्शन है अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट एंड कवर विद द ब्लैंकेट, थर्ड ऑप्शन है अप्लाई रनिंग टैप वाटर, फोर्थ ऑप्शन है गिव लिक्विड बाय ओरली। जल्दी से आपको आंसर देना है, बर्न के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी से आंसर देना है, फिर आगे आंसर बताएंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है, यहां पर बिल्कुल सबसे पहले बर्न का पेशेंट है तो उसके अंदर सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट आप काम में लेंगे, यानी सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट उसके बर्न सरफेस पर लगा देंगे, और बर्न सरफेस पर लगाने के बाद उस बर्न सरफेस को वैसलीन गोज से आप क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसको ब्लैंकेट से कभी भी कवर नहीं करेंगे, रनिंग वाटर में नहीं रखेंगे, ओरली नहीं देंगे, उसको आईवी पर चलाएंगे, आईवी फ्लूड स्टार्ट कर देंगे, वैसलीन गोज से उसको कवर कर देंगे सोफ्रामाइसिन लगाकर, यानी सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट लगाकर उसको वैसलीन गोज से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। याद रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एज अ हेल्थ कमिटर, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हो, तो आपको ऐसी पॉइंट, ऐसे क्वेश्चंस याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम कैसा है, ट्रेनिंग एग्जाम है, तो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए कि आप ऐसे
क्वेश्चन पढ़े और ऐसे क्वेश्चन याद रहे ताकि आप पेशेंट को भी अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइपोग्लाइसेमिया? उम्मीद करता हूं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, क्या हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया के कंडीशन में? पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, लो लेवल ऑफ HB, हीमोग्लोबिन का कम लेवल हो जाना, क्या हाइपोग्लाइसीमिया है? सेकंड ऑप्शन है लो लेवल ऑफ शुगर, शुगर का कम हो जाना। थर्ड ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ शुगर, शुगर का हाई हो जाना। और फोर्थ ऑप्शन है लो लेवल ऑफ सोडियम, सोडियम का कम हो जाना। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग इसके लिए दूंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबको याद होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट से आपको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा ताकि आगे बढ़े। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर है लो लेवल ऑफ शुगर। शुगर की लेवल अगर कम हो गई है, ग्लाइसीमिया, देखिए ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज से रिगार्डेड, अगर शुगर की लेवल कम हो गई है दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर शुगर की लेवल ज्यादा हो गई है तो हाइपरग्लाइसीमिया, क्या हो गई है? हाइपरग्लाइसीमिया उसको कहेंगे। लेकिन अगर HB यानी हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो गई, दैट इज अपन क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। लेकिन अगर सोडियम की लेवल कम हो गई है तो उसको हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। और अगर ज्यादा हो गई तो हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एड फॉर लो ब्लड शुगर इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस। देखेगा, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या लेंगे जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल क्या है? कम है। यानी कि ऐसा पेशेंट जो कि हाइपोग्लाइसेमिया का है, ऐसा पेशेंट जो हाइपोग्लाइसेमिया का है और हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट आपके पास है, लेकिन पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है, बेहोशी की कंडीशन में, तो कौन सा फर्स्ट एड आप काम में लेंगे? पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, प्लेस ग्लूकोज पाउडर अंडर द टंग। सेकेंड ऑप्शन है गिव ओरल ग्लूकोज। थर्ड ऑप्शन है गिव फ्रूट जूस। और फोर्थ ऑप्शन है IV RL एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्टर करेंगे IV RL, रिंगर लेक्टेट आप एडमिनिस्टर करेंगे। जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया का है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, दो कंडीशन आपको दी है, हाइपोग्लाइसेमिया है और अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो क्या करेंगे सबसे पहले आप फर्स्ट एड के लिए? चलिए, आपका आंसर जाता है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा कि आप उसकी टंग के नीचे क्या कर देंगे? ग्लूकोज पाउडर को रख देंगे। आप सबको पता है सब लिंगुअली रूट है, कौन सा रूट है? सब लिंगुअल रूट है, और सब लिंगुअल रूट फास्टर रूट माना जाता है। यानी सब लिंगुअली जो आप रखेंगे कोई भी मेडिसिन, तो वो बहुत ही जल्दी क्या करती है, एक्शन लेती है, क्योंकि वहाँ पर जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, सर्कुलेशन है, काफ़ी फास्टर होता है, तो फटाफट से सिस्टेमिक हो जाती है, तुरंत रिलीफ मिलता है। आप सबको पता है MI हार्ट अटैक वगैरह में नाइट्रोग्लिसरीन, आप सबको पता है वो सारी मेडिसिन लगाई जाती है, टंग के नीचे रखी जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अगर लो ब्लड शुगर है यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले उसके टंग के नीचे ग्लूकोज पाउडर रख देंगे, ताकि उसके अंदर फटाफट से ग्लूकोज का जो हाई लो लेवल हो रहा है वो मेंटेनेंट हो जाए। बाकी उसके अलावा ये करेंगे, लेकिन बाद में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला फर्स्ट एड करेंगे आप, उसके टंग के नीचे क्या कर देंगे? ग्लूकोज पाउडर रख देंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, और उसी के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज आपका पांचवा टेस्ट है। अभी तक चार टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और पांचवा टेस्ट है, और मैं चाहता हूँ सभी कैंडिडेट इन टेस्टों को ले, क्योंकि ये टेस्ट वो टेस्ट है जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप जो भी जुड़े हुए हैं आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, और आज के क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा। क्वेश्चन है 150 नंबर, विच इज द
करेक्ट रेशियो ऑफ सीपीआर इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर सीपीआर, एडल्ट के अंदर सीपीआर दिया जा रहा है और सीपीआर दे रहा है तो एडल्ट के अंदर रेशियो क्या होगा, एडल्ट के अंदर रेशियो क्या होगा, क्या 2:30 होगा, क्या 5:1 होगा, क्या 15:2 होगा, क्या 30:2 होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबका चेकआउट करूंगा और देखूंगा कि कितने कैंडिडेट सही आंसर दे पाते। क्वेश्चन समझ में आ गया, सीपीआर के रिगार्डेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि अडल्ट के अंदर सीपीआर देना है, अडल्ट पर्सन के अंदर सीपीआर देना है तो उसके अंदर रेशियो क्या रहेगा। क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप, क्वेश्चन का आंसर ऐसे देंगे 150 आप लगाएंगे और 150 के सामने ए बी सी आप लिखेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने क्या आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सभी सेशन, यहाँ तक का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और इस सेशन को यहाँ तक एंड तक आपने देखा है तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। तो कम्प्लीटली सेशन को अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की सेशन आपको मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने बीपीसीएचएन के रिगार्डेड सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा क्योंकि ये टेस्ट सीरीज सभी स्टेट के सीएचओ कैंडिडेट के लिए है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए यहां पर काफी बेनिफिशियल होने वाली है। जिसने ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा, मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिएगा ताकि वहां पर इनसे रिगार्डेड आपको बेनिफिट हो सके। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।